हेलो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आने अकेडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग आधुनिक भारत की जो प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम स्पेक्ट्रम है उसका अध्ययन कर रहे हैं और उसके अध्ययन में हम लोग जो पुर्तगाली कंपनी का संपूर्ण इतिहास है उसको पढ़ चुके हैं तो पुर्तगाली कंपनी के बाद आज हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के संपूर्ण इतिहास का अध्ययन करेंगे और डच कंपनी के इतिहास को पढ़ेंगे और फ्रांसीसी कंपनी के इतिहास को पढ़ेंगे इस दृष्टिकोण से आज की क्लास आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी है अत्यंत उपयोगी है तो आधुनिक भारत का थोड़ा सा ये जो अध्ययन था आप लोगों के बीच में ब्रक हुआ लेकिन अब यह निरंतर क्लास होगी आप लोगों के बीच में तो स्वागत है आप सभी का चलिए शुरुआत करते हैं जानते हैं हम लोग अन के बारे में कुछ प्रमुख बातों को उसके बाद सीधे हम लोग अपनी क्लास पर आ जाएंगे अन एकेडमी का प्लेटफार्म है यहां पे देश के जो सर्वश्रेष्ठ एजुकेटर हैं उनकी टीम का आप लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है मैं भी इसी में शामिल हूं मेरा भी निरंतर मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा यहां पे आप लोग देखेंगे तो यूपीएससी का जो महामैराथन सबक्रिप्स है वह आप लोगों के बीच में पुनः आया हुआ है और इसकी ट्वेंटी थर्ड जून लास्ट डेट है ये इसी महीने में रहने वाला है यह ऑफर तो इसमें क्या है कि यह ऑफर इस ऑफर में आपको संस्थान की तरफ से पच्चीस प्रतिशत की छूट मिल रही है और आप लोग जो हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं उसके माध्यम से आपको दस प्रतिशत की छूट मिल रही है यानी कुल मिला इस समय पैंतीस प्रतिशत की आप लोगों को छूट मिल रही है ये एक तरीके से भारी भरकम छूट है इस समय आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ये पढ़ाई करने का और सब्सक्रिप्शन लेने का सबसे बेहतर समय होता है जून का महीना यहां से सेशन स्टार्ट होते हैं यहां पे जीएस और ऑप्शनल पेपर आइकोनिक जीएस और ऑप्शनल पेपर यानी संपूर्ण यूपीएससी का अध्ययन यहां पे करवाया जाएगा कंप्लीट वन ईयर का कोर्स है जो प्लस कोर्स और ऑप्शनल पेपर का सत्तावन हज़ार पाँच सौ फीस है और ये जो आपका आइकोनिक है और ऑप्शनल है इसकी जो फीस है वो छिहत्तर हजार पाँच सौ रुपये है इसमें भी दस प्रतिशत आपको छूट मिलेगी इसके अलावा यहाँ पे आप लोग अनएकेडमी की तरफ से लोन भी पा सकते हैं बिना किसी फीस के बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के और ये लोन प्राप्त करने का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है आप लोग फॉर्म भर के यहाँ पे लोन प्राप्त कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं मैं आपका एक ही दिन में लोन पास करवा दूंगा इसके अलावा आने अकेडमी की तरफ से आपको 20 बुक प्रदान की जा रही है हमारी तरफ से आप लोग सब क्वेश्चन लेंगे हमारा रेफरल कोड प्रयोग करेंगे एस ए एन जे डबल ई बी ये हमारा रेफरल कोड है तो हमारी तरफ से भी आपको नोट्स यहाँ पे प्रदान किया जाता है कंप्लीट नोट्स प्रदान किया जाता है इसके अलावा यहाँ पे आइकॉनिक और प्लस कोर्स दो कोर्स है और आइकॉनिक और प्लस कोर्स की जो खास बातें हैं सामान्य अध्ययन की उसको मैं आपको बताता हूँ ये आइकॉनिक कोर्स है मुख्यतः सामान्य अध्ययन का कंप्लीट अध्ययन करवाया जाता है छह महीने बारह महीने चौबीस महीने छत्तीस महीने का यह कोर्स है इसमें यहाँ पे आप लोगों को हमारे रेफरल कोड एस एनजे डबल ई बी का में इसका मेंशन करेंगे तो आप लोगों को यह फायदा होगा कि यहाँ पे फीस में आपको 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी इसके अलावा ये जो आइकोनिक कोर्स है आइकोनिक कोर्स में आप लोग देखेंगे तो ये 12, 24 और 36 महीने के रूप में उपलब्ध है यहाँ पे भी हमारे रेफरल कोड एस एनजे डबल ई बी का मेंशन करना है इसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी फीस में आपको 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी हाँ एक बात मैं आपको बता देता हूं इसमें अगर आप लोग कहें कि सबसे बेहतर कौन सा कोर्स है तो इसमें होता ये है कि जो व्यक्ति एक्सपीरियंस का है करीब दो तीन साल यूपीएससी में पढ़ाई कर चुका है वो प्लस कोर्स को ले सकता है लेकिन जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है अध्ययन बिल्कुल प्रारंभ नहीं किया है उसके लिए ये आइकॉनिक कोर्स बेहद जरूरी जैसे इंटर पास किया हो या ग्रेजुएशन में आप हों या ग्रेजुएशन कर चुके हों और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो इसके लिए सबसे बेस्ट यही कोर्स है इसके अलावा यहाँ पे एक बात और बता दे रहा हूं जो लोग अब सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं एक दो दिन में सब्सक्रिप्शन और इनके लिए जो बेस्ट बैचेज है ये ट्वेंटी थर्ड जून को स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे कंप्लीट टू ईयर का यूपीएससी का बैच है और यहाँ पे कंप्लीट वन ईयर का बैच है और फोनिक्स का रिविजन बैच किसी में भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ट्वेंटी जून से ये बैच स्टार्ट हो रहा है ध्यान ये रखें कि जिस दिन बैच हो उस दिन सब्सक्रिप्स ना लें उसके दो दिन पहले कम से कम सब्सक्रिप्स ले लें जिससे आराम से रिलैक्स के मोड में अपनी क्लास को अटेंड करें इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज है इसको ज्वाइन कर सकते हैं अनएकेडमी काम बैठ है प्रत्येक संडे को सुबह ग्यारह बजे होती है आप लोग जानते ही इसको ज्वाइन कर सकते हैं इसको ज्वाइन करने में हमारा ही रेफरल कोड यूज करना है आप लोगों को एस ए एन जे डबल ई बी ये हमारा रेफरल कोड है इसके माध्यम से यहाँ पे अगर बेहतर प्रदर्शन करते हैं साठ प्रश्न होता है साठ मिनट्स इसमें समय होता है तो अन एकेडमी की तरफ से यानी संस्थान की तरफ से आपको स्कॉलरशिप मिलती है और कोर्स भी मिलता है तो ये खास बातें आपके बारे में हुई जो कि आप लोगों के लिए ही महत्वपूर्ण थी तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और आज हम लोग शुरुआत करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी से ठीक हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास पढ़ेंगे और इसके बाद में डच कंपनी का इतिहास पढ़ेंगे तो आप लोग तैयार हो जाइए एक बार आप लोग शेयर भी कर लीजिए क्लास को अपने ग्रुप्स वगैरह में सभी लोग हाँ शेयर कर लीजिए अंकित स्वागत है अन्य लोगों का आशीष माया आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत है तहे दिल से स्वागत है मजा आने वाला है आज की क्लास में उत्साहित रहिएगा पूरा जोश दिखना चाहिए इस क्लास में अगर कहीं पे कुछ बातें महत्वपूर्ण लिखें लगे तो उसे लिख भी लीजिएगा वैसे पिछली क्लास का भी हमें पता है अभी आपको पीडीएफ नहीं मिला है तो ये पिछली क्लास का भी और आज का भी पीडीएफ आपको आज ही मिल जाएगा निश्चिंत रहिए केवल अभी टोटली पढ़ने में मन लगाना है आपको तो तैयार हो जाइए आप सभी लोग आ, क्लास को सभी लोगों को लाइक भी कर लेना है और शेयर भी कर लेना है जल्दी से एक बार शेयर कर लीजिए फटाफट क्लास को एक बार शेयर कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए चलिए शुरुआत करते हैं हाँ गुड इवनिंग सभी को हमारे तरफ से स्वागत है आप सभी का निश्चित रूप से मैं ये प्रामिस करता हूं इस संस्थान के माध्यम से कि आप लोग आधुनिक भारत का जब आज अध्ययन कर लेंगे तो इस टॉपिक का अध्ययन करने की आपको जरूरत कभी जिंदगी में पड़ने वाली नहीं भटकना नहीं पड़ेगा आपको संपूर्ण अध्ययन करेंगे टू द पॉइंट अध्ययन करेंगे टू द सिलेबस अध्ययन करेंगे कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और फैक्ट को भी समझेंगे कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है तो समझिए शुरू करते हैं जैसे आप लोगों ने देखा कि यूरोपीय कंपनियों का जब भारत आगमन हुआ तो उसका रीजन क्या है ये हमने आपको बता दिया है। रीजन में जैसे हमने बताया कि भारत एक आर्थिक रूप से संपन्न देश था इसको सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था दुनिया तुन का पतन हुआ इसलिए यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन हुआ यूरोप में जो वाणिज्यवाद की नीति थी इस नीति के तहत बुलियन कमाना यूरोपियों का मुख्य ध्येय बन गया इसलिए यूरोपीय भारत आए और भारत की क्लाइमेट यानी भारत की जो जलवायुविक स्थिति है वह भारत को प्राकृतिक रूप से कुछ ऐसी वस्तुएं देती हैं जो कहीं और नहीं मिलती इसलिए भी यूरोपीय कंपनियां भारत आई और यूरोप में जो एक रेनेसा की युग का प्रारंभ हुआ जो पुनर्जागरण के युग का प्रारंभ हुआ उसने यूरोप को पूरे विश्व व जगत के पटल पर सबसे आगे बढ़ा दिया वहां पे भौगोलिक खोजों का युग शुरू हुआ वहां पे नए नए आविष्कारों का युग शुरू हुआ और उसमें से कई यंत्रों की खोज यूरोपियों ने कर ली इस खोजों में इटली है फ्रांस है जर्मनी है ब्रिटेन है ये सब सबसे आगे थे और इसी कारण यूरोपीय कंपनियां भारत आई पहली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली कंपनी थी और पुर्तगाली कंपनी के यात्री के रूप में वास्को डिगामा सत्रह मई चौदह को भारत पहुंचा था और इसके संपूर्ण इतिहास को हम लोग पढ़ चुके हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं आज ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास का अध्ययन करेंगे तो जानते हैं हम लोग कि ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास हमें किन पहलुओं के अंतर्गत करना है किन खंडों के अंतर्गत करना है किन भागों में बांट के हमें ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्ययन करना है अगर वास्तव में हम लोग इस बात को जान लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अध्ययन करने में आसानी होती है नहीं तो ऐसे आपको लग रहा होगा सर ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या पढ़ाएंगे तो आइए सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी में वास्तव में हमें पढ़ना क्या है हमें यह जान लेना बेहद जरूरी है नहीं तो हम ऐसी गर्त में चले जाते हैं यूपीएससी की कि हम पढ़ते रहते हैं खोए रहते हैं और जब एग्जाम होता है तो न प्रश्न आता है न सिलेबस कंप्लीट होता है और हमें यह फील होता रहता है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं हमें मजा आ रहा है हमें इंटरेस्ट आ रहा है तो आपको लाख मजा आ रहा हो आपको लाख फील हो रहा हो लेकिन वो जो यूपीएससी है वो पूछता है और प्रश्न ही वहां से नहीं आता फिर तो कल्याण कैसे होगा तो कल्याण जिस तरीके से होगा उसका सामना करते हैं चलिए देखते हैं कि क्या हम लोग इसमें पढ़ेंगे तो इसमें विषय सूची के रूप में हमने कई खंडों में ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास को रखा है पहले खंड के अंतर्गत हम लोग यहां पे देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कैसे हुआ और कैसे इसका भारत आगमन हुआ यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई अगर आप स्पेक्ट्रम खोल के बैठे होंगे तो स्पेक्ट्रम से कोई भी ऐसा तथ्य जो आपके लिए उपयोगी होगा वो छूटने वाला नहीं है और इसमें दो चार तथ्य हमने अलग से भी जोड़े हैं जो आपके लिए उपयोगी है तो पहली हेडिंग आपकी है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इसी को हम कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन और जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन या लंदन से चल के भारत कैसे आई इसको हम लोग पहले भाग के अंतर्गत देखेंगे दूसरे भाग के अंतर्गत हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम का इतिहास ये पार्ट आपको स्पेक्ट्रम में नहीं मिलेगा लेकिन ये आपको रोमांचित करने वाला है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है और मूल नाम नहीं है और यूपीएससी में इसको पूछा हुआ है इसलिए हमने इस पार्ट को यहां पर रखा है तो जानेंगे हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तव में नाम क्या है और कब ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम पड़ा तीसरा है कंपनी से संबंधित संस्थाओं का ढांचा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है स्पेक्ट्रम में बड़ी गहराई से आपको ये दो तीन पॉइंट में ये चीज मिलेगी और इसको बड़े साफ साफ तरीके से हमने यहाँ पे अलग किया है कि आप लोगों को समझने में बड़ी आसानी हो कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यशैली को भारत में देखने वाली संस्थाएं कौन सी थीं और उन संस्थाओं का उन संस्थाओं का ढांचा क्या था इसको हम लोग इसी में देखेंगे ठीक इसके अलावा आपका यहाँ पे चौथा पार्ट है चौथे पार्ट में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो भारत में ही इसका जो व्यापार है वो कैसे आगे बढ़ा उसका विकास कैसे हुआ इसके अलावा पांचवें पार्ट में हम लोग देखेंगे कैप्टन हाकिंस भारत आ रहा है और जब भारत आ रहा है तो भारत में इस समय मुगल बादशाह जहांगीर का शासन है ये जो जहांगीर है इसका वास्तविक नाम सलीम है और इसका मूल नाम क्या है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर जहां का मतलब जहां यानी विश्व और गिर का मतलब बिनर यानी विजेता होता है यानी जहांगीर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है विश्व विजेता यह वही जहांगीर है जो बड़ी मन्नतों के बाद अकबर की बड़ी मन्नतों के बाद यह पैदा हुआ था और इसी के समय में ये कैप्टन भारत आ रहा है कैसे इससे मुलाकात होती है कौन है कैप्टन हाकिंस इसको भी हम लोग जानेंगे अगला अगली हेडिंग है सर थॉमस रो का भारत आगमन और जहांगीर इसके बाद में एक और ब्रिटेन का यात्री भारत आता है इसका नाम है सर थॉमस रो कब आता है क्या खासियत है इसकी और जहां गिर के दरबार में आता है तो इसको क्या रिलैक्स मिलता है इसको देखेंगे इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह शाहजहां शाहजहां के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या प्रगति होती है या शाहजहां कुछ बाधाएं उत्पन्न करता है इसको भी हम लोग देखेंगे इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी और अंतिम मुगल बादशाह औरंगजेब अंतिम प्रमुख मुगल बादशाह औरंगजेब इसके बाद में उत्तरकालीन मुगल बादशाहों उत्तर में हम लोग देखेंगे उत्तरकालीन मुगल बादशाहों में हम लोग देखेंगे कि कंपनी और मुगल बादशाह फर्रुखसियर ये उत्तरकालीन मुगल बादशाहों में तीसरा मुगल बादशाह है उत्तरकालीन मुगल बादशाहों में हम लोग कुल ग्यारह मुगल बादशाहों का अध्ययन करते हैं ग्यारह और इसमें जैसे जो फरूक है जिसको सैयद बंधुओं ने बादशाह बनाया था सैयद बंधु भारतीय इतिहास में किंग मेकर की भूमिका में है इनमें बड़ा भाई अब्दुल्ला अली है और छोटा भाई हुसैन अली है इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि कंपनी का विकास तमिलनाडु में कैसे हुआ कैसे कंपनी ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने तमिलनाडु के मद्रास को अपना अड्डा बना लिया और जब मद्रास को अपना अड्डा बनाया तो यही मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत आगे बढ़ा देता है तो मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कितना उपयोगी रहा इसको भी हम लोग देखेंगे आगे ये जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी और गोलकुंडा का शासक ये गोलकुंडा एक पोर्ट के रूप में है गोलकुंडा एक बंदरगाह के रूप में है और गोलकुंडा का ही वर्तमान में नाम क्या हैदराबाद है, है और यहाँ पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी व्यापारिक सफलताएं प्राप्त कर रही है तो यहाँ पे गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश का शासन है तो कुतुब शाही वंश के शासक कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को रिलैक्स देते हैं कैसे व्यापारिक आधार प्रदान करते हैं कैसे गोल्डन फरमान जारी करते हैं और फिर गोलकुंडा के कुतुब शाही शासक को क्या फ़ायदा होता है इसका अध्ययन करेंगे यानी करीब करीब 10-12 पहलुओं के अंतर्गत हम लोग ईस्ट इंडिया का व्यापक अध्ययन करने वाले हैं इस तरीके से अध्ययन आपको मिलेगा नहीं तो बिल्कुल अपने मन को संतुष्ट कर लेना है और उत्साहित रहना है शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंपनी का गठन व ढांचा कंपनी का गठन व उसका भारत आगमन तो कैसे होता है कंपनी का गठन और कैसे होता है इस कंपनी का भारत आगमन चलिए शुरुआत करते हैं ध्यान पूर्वक आप लोग इसका अध्ययन कीजिएगा ठीक हाँ ध्यान पूर्वक आप लोग इसका अध्ययन कीजिएगा तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए चैतन्य अवस्था में रहना है ठीक है ना बिल्कुल चैतन्य अवस्था में रहना है आइए तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है मैं एक बात आपको बता रहा हूं बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का पंद्रह में गठन हुआ इसके सौ वर्ष पूर्व वास्को डिगामा भारत आ चुका था और पुर्तगाली कंपनी भारत में स्थापित हो चुकी थी पुर्तगाली कंपनी का इस समय जो हिंद महासागर है उस पर पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित हो चुका है और पुर्तगाली कंपनी भी यूरोप की ही कंपनी है तो पुर्तगाली कंपनी ने जो व्यापारिक सफलताएं प्राप्त की जो आर्थिक रूप से वृद्धि प्राप्त की भारतीय व्यापार के माध्यम से उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सदस्य से अभी स्थापित कर रहे हैं उस लाभ को वो देखेंगे यूरोप में और देखने के बाद में उन्हें वास्तव में लगेगा कि भाई पुर्तगाली कंपनी तो काफी काफी आगे बढ़ गई और काफी व्यापारिक सफलताएं प्राप्त कर ली काफी आर्थिक रूप से संपन्न हो गई जब इन्होंने यह अच्छे से देख लिया तो समय था सितंबर पंद्रह का सितंबर पंद्रह को लंदन का एक बहुत बड़ा व्यापारी है और उस व्यापारी का नाम है लॉर्ड मेयर लॉर्ड मेयर पूरे इंग्लैंड के व्यापारियों को एक सभा में बुलाता है पंद्रह सो निन्यानबे ईस्वी में और उस सभा में केवल अस्सी व्यापारी उपस्थित होते हैं तो सितंबर 1599 सौ ईस्वी में यह जो लंदन है लंदन में व्यापारियों की सभा का आयोजन होता है और इस व्यापारिक सभा की अध्यक्षता लार्ड मेयर करता है ऐसा मत समझिएगा कि लॉर्ड मेयर लंदन का मेयर है ऐसा नहीं है यह एक व्यापारी है इसका नाम ही मेयर है और यह इस सभा को नेतृत्व प्रदान कर रहा है संचालन कर रहा है मुखिया है इस सभा का इसी के नेतृत्व में यह सभा बुलाई जा रही है और इसमें आप लोग देखिए कि 80 व्यापारियों की टोली इकट्ठा हुई या समूह इकट्ठा हुआ और इसी लंदन में इन लोगों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाए और स्थापना करके उसको भारत व्यापार करने के लिए भेजा जाए जब निर्णय लिया इन्होंने तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई पंद्रह सो निन्यानबे ईस्वी में ही लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई तो उसका नाम उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था इसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज कई टुकड़ों में इसको बांट के जब हम पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगा जैसे द गवर्नर एंड कंपनी द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज यानी दक्षिण पूर्व एशिया में जिसमें भारत भी शामिल है में व्यापार करने के लिए एक व्यापारिक सभा का गठन किया गया व्यापारिक कंपनी का गठन किया गया इसी का नाम आगे चल के ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ता है अब इस कंपनी का गठन तो कर दिया गया लेकिन जैसे आप हों और आप किसी कंपनी का गठन करें और भारत में ही आपको व्यापार नहीं करना है आपको विदेश में व्यापार करने के लिए जाना है तो जब विदेश में व्यापार करने के लिए जाना है तो जो एक तरीके से हमारा वित्त मंत्रालय है वहां पे उस कंपनी को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा वो आपको एक नोटिफिकेशन देगी तब आप विदेश जाएंगे व्यापार करने के लिए तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो मेयर साहब ने यही किया लॉर्ड मेयर साहब ने यह है इस समय की जो ब्रिटेन की महारानी थी जिनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम टेलर उनके पास इस कंपनी का पूरा बायोडाटा और डॉक्यूमेंट बना के उनके पास भेजा कि महारानी इस पर दस्तखत कर दें महारानी इस पर साइन कर दें तो महारानी को साइन करने में बहुत दिन लग गया आप लोग भी जब आई बनेंगे तो जो वर्ष का अंतिम दिन होता है इकतीस दिसंबर नया साल आने वाला होता है और पुराना साल बीतने वाला होता है तो आप लोगों के ऊपर बड़ा प्रेशर रहेगा उस समय क्योंकि तो सारा डाटा आपकी तरफ से जाएगा गवर्नमेंट की तरफ तो उस समय बहुत बिजी रहेंगे उस दिन मतलब दो तीन दिन तो काफी बिजी रहेंगे और मुख्यतः उसी दो तीन दिन में बहुत ज्यादा काम होता है तो समय था कब का समय था 31 दिसंबर का 31 दिसंबर का और 31 दिसंबर 1600 सो ईस्वी का समय था 31 दिसंबर 1600 सो ईस्वी को मल, मतलब 1600 सो ईस्वी का आखिरी दिन था काफी समय लगा दिया एक साल का समय लगा दिया और इसी दिन महारानी एलिजाबेथ प्रथम टेलर ने इस ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज पे साइन कर दिया और साइन करके एक आज्ञा पत्र जारी किया जिसे चार्टर के नाम से जानते हैं और कहा कि अब आप भारत में पंद्रह वर्षों के लिए स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते हो आदेश दे दिया कि आप जाइए और भारत में पंद्रह वर्षों के लिए स्वतंत्र रूप से व्यापार कीजिए तो दो तिथियां आपको यहां पे याद करनी है एक तो आपको याद करना है सितंबर पंद्रह में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ और इस ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ की तरफ से आज्ञा कब प्राप्त हुई 31 दिसंबर 1600 सौ ईस्वी को दो तिथियां आपको याद रखनी है ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं यही बात यहां पे मेंशन भी है एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को पंद्रह वर्ष की व्यापारिक अधिकार प्रदान कर दिया पंद्रह वर्ष का व्यापारिक अधिकार प्रदान कर दिया लेकिन जब व्यापारिक अधिकार प्रदान हो गया था उसके पूर्व की ही एक घटना है उसको मैं अभी बताऊंगा यहां पे एक पॉइंट है यह कंपनी अब ध्यान रखना है कैसी कंपनी है एक निजी कंपनी है यह बात बहुत ज्यादा आप लोगों को ध्यान रखना है यह कोई सरकारी कंपनी नहीं है यह कोई अर्ध सरकारी कंपनी भी नहीं है मतलब आधे प्राइवेट लोगों का शेयर लगा हो और आधे सरकारी लोगों का शेयर लगा हो ऐसा भी नहीं है ये पूर्ण रूप से एक निजी कंपनी है ये प्राइवेट कंपनी है ये आपको ध्यान रखना है और यह अपने शेयर धारकों से मिलके बनी हुई है और हमने आपको बताया कि इसमें 80 शेयर धारक है एक दो शेयर धारक नहीं है अस्सी व्यापारियों ने इसमें अपना शेयर लगाया है अब नोट में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इसको ध्यान पूर्वक आप लोग समझिएगा ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन सितंबर 1599 में हो गया था तो जिसकी अध्यक्षता में इस ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था उसका नाम था लॉर्ड मेयर लॉर्ड मेयर ने क्या किया कि अपना एक दूत इसी समय भारत भेज रहा है अभी कंपनी को व्यापारिक अधिकार नहीं मिला लेकिन वो अपना एक दूत भारत भेज रहा है ऐसा नहीं कि वो दूत व्यापार करने करने के लिए आ रहा है वो भारत की व्यापारिक स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए आ रहा है और इस दूत का नाम है जान मिडन हाल ये पंद्रह सौ निन्यानबे ईस्वी में भारत आ रहा है और एक बात और यहां से पूछ सकता है कि पहला अंग्रेज जो भारत आया उसका नाम क्या था तो उसका नाम था जान मिडन हाल ये बात आप देखोगे तो स्पेक्ट्रम में सीधे तरीके से लिखी गई और बहुत महत्वपूर्ण है पंद्रह सो में लंदन के व्यापारी लॉर्ड मेयर ने जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था उसी के एक दूत के रूप में पंद्रह सो में जॉन मिडन हाल भारत कहां आया ठीक कहा आया जॉन मिडन हाल भारत आया तो ये जो जॉन मिडन हाल है मिडन हाल है भारत आया भारत आया लेकिन भारत में सर्वप्रथम लेकिन भारत में सर्वप्रथम इसने अपना कदम अपना कदम कहाँ रखा था कहाँ रखा था प्रश्न है और विकल्प आपको मिल रहा है विकल्प मद्रास बी विकल्प कालीकट कालीकट सी विकल्प कलकत्ता कलकत्ता डी विकल्प सूरत सूरत जल्दी से आप लोग बताइए कहा इसने अपना कदम रखा चलिए बताइए पहला प्रश्न है आप लोगों के बीच में क्या होगा भाई सपना यादव जी इसका उत्तर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों की तरफ से आना चाहिए वेरी गुड अंकित ने सबसे पहले बताया अच्छा इसके पहले भी लोगों ने बताया इसके पहले किसने बताया भाई हम्म हाँ इसके पहले अनिमेश कुमार ने बताया अनिमेश कुमार अनिमेश कुमार हाँ जो मैं पढ़ाता रहूं उसी पे ध्यान देना है सारी चीजें आपके सामने आएंगी थोड़ा सा वेट करना है बस सारी चीजें आपके सामने आएंगी लाइक भी लेकिन करते रहना है सभी लोगों को क्लास को दमदार तरीके से लाइक करते रहना है तो क्या होगा भैया सूरत होगा आप लोगों ने देख लिया मुझे लगता है मतलब नकलची बंदर हैं आप लोग क्यों तो हां सर आपने लिखा था हमने देखा और देखा तो बताया तो कम से कम नजर तो हमारी है इस शब्द पे ये वही बहुत बड़ी बात है अगर आपने देखा तो अच्छी बात है आपको सलाम है हमारी तरफ से तो इसने आप इस तरीके से आपसे प्रश्न ये पूछेगा यहीं से तीन प्रश्न चार प्रश्न बन रहा है एक ही लाइन से और कैसे प्रश्न बनता है मैं आपको ये भी साथ साथ में बता रहा हूं तो जो बिल्कुल नए बच्चे हैं जो हाई स्कूल कर रहे हैं जो इंटर कर रहे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनकी समझ में भी आ जाती है ये बात आगे देखिए समय था 1609 सो ईस्वी का और 1609 सो ईस्वी में आए एक नवीन चार्टर के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया 1600 सो ईस्वी के बाद 1609 सो ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के संबंध में एक व्यापारिक चार्टर लाया और जो 1600 सो के द्वारा चार्टर मिला था कि कंपनी भारत में केवल 15 वर्ष के लिए व्यापार कर सकती है, इसको बढ़ा दिया गया और यहां पे देखो लिखा हुआ है अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया यह शब्द आपको मिलेगा इस बुक में लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हो जाती है प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर के युद्ध के बाद वास्तविक रूप से स्थापित हो जाती है तो भारत में ये अरक्षा अराजकतावादी शासन की शुरुआत कर देती ये लूट मार के युग का प्रारंभ कर देती हमारे यहाँ आधुनिक भारत में पहला अकाल अकाल 1770 सत्तर ईस्वी में बंगाल में पड़ता है चारों तरफ त्राही माम की स्थिति हो जाती है ऐसे में भारत में कंपनी के शासन की आलोचना भारतीय भी करते हैं और ब्रिटेन में भी भारत के सपोर्ट में कुछ इंटेलेक्चुअल पर्सन है जो बैंथमवादी दार्शनिक है जर्मी बेंथम है जी ये स्मिल है जेम्स मिल है ये लोग आलोचना करते हैं कि भाई अगर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बहुत ही ज्यादा अनैतिक शासन कर रही है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाए तो इस समय होता क्या था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ब्रिटिश संसद में भी बैठते थे जैसे हमारे यहाँ भी व्यापारिक संस्थाएं हैं और उन व्यापारिक संस्थाओं के लोग संसद में भी बैठते हैं एजेंट के रूप में प्रतिनिधित्व तो करते हैं तो वो क्या करते थे कि वो उस समय ब्रिटिश सरकार के मुखिया से मिलके उनको क्या करते थे उनसे बातचीत करते थे उनको उपहार प्रदान करते थे गिफ्ट प्रदान करते थे कुछ नकदी प्रदान करते थे तो नकदी प्रदान करके गिफ्ट प्रदान करके वो समय समय पे कंपनी के व्यापारिक अधिकार को बढ़ा लेते थे जैसे 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा फिर 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया और सर्वप्रथम ध्यान रखिएगा एक बात आपको बता रहा हूं और इसको प्रश्न के रूप में आप लोग समझ लीजिए सर्वप्रथम प्रश्न ध्यान से समझिएगा सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने की बात को समाप्त करने की करने की बात किस चार्टर एक्ट के माध्यम से कही गई किस चार्टर एक्ट के माध्यम से कही गई किस चार्टर एक्ट के माध्यम से कही गई कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी तो को कभी भी समाप्त किया जा सकता है माध्यम से कही गई प्रश्न है आपके सामने और इसमें जैसे आप लोग देखिए कि 1813 का चार्टर है बी अठारह सो का चार्टर है सी आपका सत्रह का रेगुलेटिंग एक्ट है डी अट्ठारह का चार्टर एक्ट है जल्दी से बताइए आप सभी लोग उत्तर क्या होगा इसमें उत्तर क्या होगा इसमें उत्तर बताएं आप सभी लोग क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताइए आप सभी लोग और सभी लोग उत्तर बताइए कमेंट करके भी बता सकते हैं कमेंट करके भी उत्तर बता सकते हैं आप सभी लोग बताइए क्या होगा भाई लगभग सभी लोग गलत बता रहे हैं अभी तक धर्मेंद्र कुमार ने सही बताया ज्योतिष शर्मा ने सही बताया है आशीष यादव ने सही बताया है पूनम मौर्या ने सही बताया है अरुण प्रकाश ने सही बताया विशाल ने सही बताया अच्छी बात है अब आप लोग सही बताने लगे हैं वेरी गुड बहुत अच्छी बात तो अठारह के चार्टर एक्ट द्वारा क्योंकि इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की खूब आलोचना हुई तो पहली बार ब्रिटिश सरकार ने एक चार्टर एक्ट के माध्यम से कहा कि हम अट्ठारह तिरपन के बाद कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत में समाप्त कर सकते हैं और ब्रिटिश राजकुमु राजमुकुट या ब्रिटिश क्राउन भारत के शासन को अपने हाथ में ले सकता है बस इसके कुछ वर्षों बाद तो भारत में विद्रोह हो जाता है अठारह का विद्रोह और विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार के ऊपर और दबाव बन जाता है तो ब्रिटिश सरकार जब विद्रोह को भारत में समाप्त कर लेती है तो तुरंत अट्ठारह के अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत में समाप्त कर देती है। और ब्रिटिश राजा का शासन भारत में शुरू हो जाता है ब्रिटिश क्राउन का भारत में शासन शुरू हो जाता है ठीक तो ये बात हमने आपको बताई आगे बढ़िए आगे हम लोग देखेंगे कंपनी का संस्थागत ढांचा ये बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग है यह बहुत महत्वपूर्ण भाग है इस ढांचे के माध्यम से हम लोग यह जान जाएंगे कि कोई भी व्यापारिक कंपनी कैसे नियंत्रित होती है, कैसे अपना कामकाज करती करती तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी सितंबर 1599 सौ ईस्वी में लंदन में स्थापित हुई उस ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को उस ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को भारत में देखने के लिए भारत में कोई संस्था नहीं थी भारत में देखने के लिए भारत में संस्था होनी चाहिए थी लेकिन भारत में कोई संस्था नहीं थी ध्यान से समझिएगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को संचालित करने के लिए भारत में कोई संस्था ना होकर लंदन में दो संस्थाएं थी इसमें जो पहली संस्था थी उसको मंडल के नाम से जाना गया जो दूसरी संस्था थी उसको निदेशक मंडल के नाम से जाना गया यही संस्था है पहली संस्था को स्वत्तोधारी मंडल के नाम से जाना गया सीओपी सीओपी का मतलब होता है कोर्ट ऑफ प्रोप और इसी की हिंदी होती है धारी मंडल और जो दूसरी संस्था थी उसका नाम था निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अंग्रेजी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोलेंगे निदेशक मंडल है ये नियंत्रक मंडल नहीं है ध्यान रखना नियंत्रक मंडल की इंग्लिश हो जाएगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये निदेशक मंडल है शब्दों का ध्यान रखना है बस अब ये जो संस्था थी स्वतोधारी मंडल नामक संस्था जिसको हम सी के नाम से जान रहे हैं जिसको हम कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर के नाम से जान रहे हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक लोग हैं इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक लोग हैं मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारक लोग इसमें शामिल हैं जो 80 व्यापारी शामिल हुए थे वो इस संस्था में भागीदारी कर रहे हैं और ये कंपनी के क्या हैं ये कंपनी के मालिक हैं ये लोग क्या करते हैं एक बात और ये लोग जो सीओडी है जो ये संस्था है निदेशक मंडल है निदेशक मंडल के सदस्यों की क्या कर रहे हैं नियुक्ति के लिए वोट करते हैं ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये मालिक लोग हैं ये मालिकों की संस्था है ये शेयर धारिकों की संस्था है और इसका कार्यालय लंदन में है और ये लोग वोट कर रहे हैं किसकी नियुक्ति के लिए जो निदेशक मंडल में सदस्य हैं उनकी नियुक्ति के लिए तो निदेशक मंडल नामक जो दूसरी संस्था है वही कार्यकारी संस्था है कार्यकारी संस्था का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को मुख्य रूप से यही देख रही है जैसे एक मालिक लोग हो गए यानी एक सरकार हो गई और सरकार के अधीन कार्य करने वाले जैसे आप लोग हो गए हम लोग हो गए नौकर लोग जो प्रजा है वो हो गई तो ये नौकर लोग इसमें आएंगे अब ये कार्यकारी संस्था है ये एग्जीक्यूटिव है ये आई एस है यही कालांतर में आई बनेंगे ध्यान रखना ये जो निदेशक मंडल के लोग हैं यही लोग आई बनेंगे तो अभी देखो अभी इन आई लोगों का चुनाव कैसे हो रहा है अभी इनको ये लोग नियुक्त तो नहीं करते वोट करते हैं वोटिंग करते हैं और वोटिंग के बाद नियुक्त तो करते हैं तो इसमें कुल कितने आई हैं इसमें कुल 24 सदस्य हैं ध्यान रखिएगा और इन 24 सदस्यों की नियुक्ति ये सीओपी के लोग करते हैं मालिक लोग करते हैं अब इन्हीं में चौदी चौबीस सदस्यों में से एक अध्यक्ष भी होता है एक उपाध्यक्ष भी होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहीं अलग से नहीं होता इन्हीं चौबीस सदस्यों में से एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन की भी नियुक्ति की जाती है अलग से नहीं इसी में से इसके अलावा निदेशक मंडल के जो ये चौबीस सदस्य हैं ये कंपनी के अन्य छोटे छोटे अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं जो क्लर्क टाइप के हैं जैसे रॉबर्ट क्लाइव भी एक क्लर्क था वो कंपनी में काम करता था तो अपने बलबूते पे अपनी योग्यता के आधार पर कालांतर में वो काफ़ी आगे बढ़ गया था तो कंपनी के छोटे अधिकारियों में राइटर होते थे राइटर के अलावा फैक्टर होते थे फैक्टर के अलावा अप्रेंटिस होते थे जो टाइपिंग वगैरह का काम करते थे इनकी नियुक्ति ये निदेशक मंडल के सदस्य करते थे कालांतर में इनमें बहुत परिवर्तन होता है लेकिन ये दो मुख्य संस्थाएं ये कार्यकारी संस्था है ये, ये एग्जीक्यूटिव संस्था है ये मुख्य रूप से देखभाल करती और कालांतर में मैं आपको बता दूं कि अठारह के चार्टर एक्ट द्वारा जो 24 सदस्य हैं इनकी संख्या घटा के अठारह की जाती अठारह सदस्य हो जाते हैं और इसी अट्ठारह के चार्टर एक्ट द्वारा कहा जाता है कि अब इनकी नियुक्ति ओट के द्वारा नहीं होगी अब इनकी नियुक्ति एक कंपटेटिव एग्जाम के द्वारा होगी आ गया कंपटेटिव एग्जाम इसीलिए हमने आपको बताया और कालांतर में जब कंपटेटिव एग्जाम के द्वारा इनकी नियुक्ति होने लगेगी तो पहले यह लंदन में होगा बाद में यह भारत में होने लगेगा और भारत में भी इनको क्या कहा जाएगा आईसीएस कहा जाएगा आई नहीं कहा जाएगा इंडियन सिविल सर्विस तो आईसीएस के रूप में इन्हीं को नॉमिनेट किया जाता है आगे चल के ठीक अब जो मुख्य बात है वो अगले पहलू के रूप में है कंपनी का भारत में विकास और भारतीय शासक जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो भारत में उसका विकास कैसे हुआ और भारतीय शासकों ने कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट किया इसका अध्ययन करना है एक एक शासकों का हम लोग अध्ययन करेंगे तो तैयार हो जाइए सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक राजदूत है जिसका नाम है कैप्टन हाकिंस यह भारत आ रहा है और एक बात और जब यह भारत आ रहा है तो इस समय बादशाह जहांगीर का समय एक प्रश्न आपसे और पूछता हूं चलिए तैयार हो जाइए आप लोग बताने के लिए जब लंदन में ध्यान से समझिएगा जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की स्थापना हुई तब भारत में मुगल बादशाह मुगल बादशाह कौन था तब भारत में मुगल बादशाह कौन था पहले प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे हमेशा फिर पूर्ण विराम लगाएंगे ये नहीं कि प्रश्नवाचक चिन्ह आप बाद में लगा दीजिए और पूर्ण विराम पहले फिर गलत हो जाएगा फिर व्याकरणिक अशुद्धि हो जाएगी पहला विकल्प आपके सामने है जहांगीर बी विकल्प है आपके सामने शाहजहां सा या खुर्रम विकल्प है आपके सामने अकबर और डी विकल्प आपके सामने है बाबर बताइए आप सभी लोग क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर बताइए मिलजुल के इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर बताइए सभी लोग जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी लंदन में तो इस समय भारत का शासक कौन था इस समय भारत का शासक कौन था यही आपको बताना है यहां पे बताते रहिए सभी लोग बताते रहिए इस समय भारत का शासक कौन है इस समय भारत का शासक कौन है तो इस समय जो भारत का शासक है वो अकबर है ध्यान रखिएगा ये अकबर का शासन काल चल रहा है अकबर 1556 में राजा बनता है और 1605 में इसकी क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है लेकिन एक बात और जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है तब शासक जहांगीर है दोनों प्रश्नों में अंतर है क्योंकि 1605 में यह अकबर समाप्त हो जाता है ठीक तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग तो यहां पे यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कैप्टन हाकिंस और बादशाह जहांगीर एक कंपनी द्वारा भारत में अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना का काम 1608 सो ईस्वी में कैप्टन हाकिंस ने किया था सबसे पहले भारत में अपनी एक व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए कैप्टन हाकि ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आ रहा है ये एक अम्बेसडर है यह एक दूत है और इसने 1608 सो इस ईस्वी में भारत में एक व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए मुगल बादशाह जहांगीर से मिला अब इसके बारे में कुछ तथ्यों को ध्यान रखना है कि जब ये कैप्टन हाकिंस भारत आया तो ये लंदन से भारत किस जहाज से आया है यह सूची के रूप में प्रश्न देता है और कूट के रूप में भी देता है और पूछेगा निम्नलिखित में से कैप्टन हाकिंस के बारे में कौन सी बात सही नहीं है तो यह हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था और दूसरी बात यह जेम्स प्रथम का राजदूत था यह जेम्स प्रथम कौन है ये ब्रिटिश राजा हैं। ये कौन है ये ब्रिटिश राजा हैं और इन्हीं का ये राजदूत है अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए यह है अकबर के नाम का एक पत्र लेके भारत आया था ये पहले ही चल चुका था जब अकबर सम्राट था तभी और इसके देश के सम्राट जेम्स प्रथम ने एक इसको लेटर दिया था और यह लेटर अकबर के नाम का था लेकिन जब ये पहुंचा तो इस समय अकबर की डेथ हो चुकी थी और इस समय भारत में सम्राट बदल चुका था अकबर का पुत्र सलीम यानी जहांगीर इस समय बादशाह बन चुका था तो जब ये सलीम यानी जहांगीर से मिला तो अकबर के नाम का पत्र लाया तो था लेकिन अकबर तो था नहीं तो अकबर के नाम का पत्र किसको समर्पित किया जहांगीर को समर्पित किया इसने यानी जहांगीर को यह पत्र दिया ध्यान रखिएगा और दूसरी बात यह भी है कि यह जहांगीर कई बार आगरा में भी रहता था तो ये आगरा दरबार में जहांगीर से मिला था 1609 सो ईस्वी में 1609 सो ईस्वी में मिला था अब इसके बारे में कहा जाता है हाकिंस के बारे में कि यह बहुभाषा विद था बहुभाषा का मतलब क्या है यानी कई भाषाओं का इसको ज्ञान था यह फारसी भाषा भी बोल सकता था यह उर्दू भाषा भी बोल सकता था यह तुर्की भाषा भी बोल सकता था यह जर्मन भी बोल सकता था यह फ्रेंच भी बोल सकता था देखिए आप लोग भी अगर टाइम मिले तो एक आध लैंग्वेज का कोर्स कर लीजिए क्या पता आई बनने का किसी का मूड हो और आप फ्रांस में जाएं तो वहां पे फ्रेंच बोली जाती है तो बड़ा इजी होगा आपको जर्मन सीख सकते हैं फ्रेंच सीख सकते हैं कोई और लैंग्वेज सीख सकते हैं एक साल का कोर्स होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कीजिएगा तो ज़्यादा फायदे में रहिएगा अंग्रेज है तो अंग्रेजी तो बोलेगा ही इसीलिए मैंने कहा कि यह बहुभाषा है बहु अब आप लोगों को ये बताना है कि जब जहांगीर के सामने यह उपस्थित हुआ तो इनमें से किन भाषाओं में यह जहांगीर से बात करता है यही भाषाएं फारसी है, है उर्दू है तुर्की है जर्मन है अंग्रेजी है फ्रेंच है यह जहांगीर से कैप्टन हाकिंस किस भाषा में बात करता है जरा बताइए आप सभी लोग किस भाषा में बात करता है बालक लोग फिर वेरी इंटेलिजेंट नहीं है राजदूत है आप क्या समझ रहे हो आप लोग सामान्य समझ रहे थे क्या हमने पहले ही बताया राजदूत है एम्बेसडर है ये किसी देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है बड़ी गंभीरता से क्लास को समझना है आसान है क्या एक भी भाषा नहीं आती हम लोगों को एक भी भाषा नहीं आती और इतनी भाषाओं के ऊपर इसको पकड़ है राजा राम मोहन राय साहब भी बहुभाषाविद थे ऐसा नहीं कि भारत में ऐसे लोग नहीं हुए गांधी जी भी बहुभाषा थे कई भाषाओं पे पकड़ थी तो बताइए जरा किस भाषा में बात की जल्दी से बताइए देखता हूं कौन बताया कौन बताया हाँ बहुत सारी भाषाओं का इसके पास ज्ञान था कौन बताया भाई फारसी कौन बताया तुर्की उर्दू किस भाषा में बात किया बताइए भाई इस भाषा में बात किया नकल करके नहीं बताना है कि कोई फारसी बता रहा है तो आप लोग भी फारसी बताते रहिए हम्म उर्दू भी बता सकते हैं बस ध्यान रखना है कि सही होना चाहिए बस सही भी तो होना चाहिए ना और नकल करना है तो सही का नकल करना है गलत का नहीं फिर नकल करने का फायदा क्या हुआ फिर बड़ा प्रायश्चित होता है कि काश हमने नकल ना किया होता गलत वैसे भी हो वैसे क्या पता सही हो रहा होता तो नकल कीजिए तो कम से कम सही होना चाहिए मामला ठीक हम्म hmm. तो देखो एक बात बताता हूं इसने फारसी में बात की क्यों क्योंकि फारसी इस समय मुगलों की राजभाषा थी अगर कई कोई तर्क दे आपको तो बता देना कि फारसी में क्यों बात की तो फारसी में इसलिए बात की क्योंकि यह मुगलों की क्या है यह राजकीय भाषा है राजकीय भाषा जैसे भारत की इस समय राजकीय भाषा है मातृभाषा अलग है राजकीय भाषा अलग है तो मातृभाषा और राजकीय भाषा दोनों एक भी हो सकती है लेकिन मुगलों की इस समय जो राजभाषा या राजकीय भाषा है आपको मैं पढ़ाऊंगा स्वतंत्रता के बाद का इतिहास तो उस समय जो भारत की भाषा संबंधी विवाद रहा उसको बताऊंगा आपको तो ये जो राजकीय भाषा है मुगलों की ये फारसी है और इसी फारसी भाषा में ही तो बात करेगा भाई ठीक आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो हाकिंस है हाकिंस ये जहांगीर से मुलाकात करता है ये जहांगीर से क्या करता है मुलाकात करता है और मुलाकात करता है तो इस समय यह फारसी भाषा में बात करता है अब राजदूत है जब मुलाकात करेगा तो बात भी करेगा और अपने देश की कुछ खासियत के बारे में बताएगा इसने अपनी देश की क्या खासियत के बारे में बताया इसने कहा बादशाह जहांगीर से ये देखो जहांगीर साहब आप भारत के बादशाह हैं हिंदुस्तान के बादशाह हैं आपकी कई रानियां हैं आपकी रानियों के लिए मैं लंदन से कई उपहार लाया हूं देखिए जैसे ये शब्द मैं बोल रहा हूं अगर मैं बोलूं कि मैं आप लोगों के लिए एक उपहार लाया हूं तो निश्चित रूप से आप हमसे इम्प्रेस होंगे तो सोचो कि ये जहांगीर भी इम्प्रेस होना इसका शुरू हो गया होगा कहा कि लंदन से हम आपकी रानियों के लिए कुछ गिफ्ट लाए कुछ उपहार लाए इधर जहांगीर सोच ही रहा था तब तक इसने क्या कहा तब तक कहा कि देखो मुगल बादशाह जहांगीर साहब भारत में आपके व्यापार को हम बढ़ाएंगे और हमारे पास कई बड़े बड़े जलपोत हैं और इस जलपोत से हम आपके व्यापार को काफी ज्यादा बढ़ा देंगे और इस व्यापार की रक्षा करने के लिए हमारे पास छोटे नहीं बहुत बड़े बड़े युद्धपोत भी हैं अब लो भैया एक तो गिफ्ट भी दिया दूसरे आर्थिक लाभ भी प्रदान कर रहा है और तीसरे कह रहा है कि मैं आपको सुरक्षा भी दूंगा तो आप सोचो अगर आप मुगल बादशाह जहांगीर होते आप भी इंप्रेस हुए होते तो ये मुगल बादशाह जहांगीर इस समय इंप्रेस हुआ और बात भी और अच्छी अच्छी की तो इंप्रेस होने के बाद में इस जहांगीर ने कहा कि भाई आपने तो हमें बहुत फायदा दे दिया अब आपकी वास्तव में मनसा क्या है आप हमसे क्या चाहते हैं आप जो चाहते हैं वो बताइए हम तो बादशाह हैं हम तो वही दे देते हैं आप अपनी चाहत बताइए तो चाहत एक अनमोल चीज है चाहत ना होती तो कुछ भी ना होता क्यों गाना सुना है आप लोगों ने हम्म समुद्र में गाना होता है तो यहां पे अब हाकिंस कहता है कि देखो साहब मेरा तो लक्ष्य भारत में व्यापार करना है लेकिन व्यापार करने के लिए एक व्यापारिक कोठी में भारत में स्थापित करना चाहता हूँ और मैंने सूरत का भ्रमण किया और सूरत का भ्रमण किया तो ये पाया कि सूरत इस समय सबसे सुरक्षित स्थान है सबसे उपयोगी स्थान है भारत में व्यापार करने के लिए व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए अब बादशाह जहांगीर ने आओ देखा नाताओ तुरंत कहा जाइए एव मस्त स्थापित कीजिए तो अब यहां पे एक बात को समझिएगा आप लोग जहां पे एनसीआरटी और अन्य किताबों में मतभेद मिलता है कहते हैं कि इस समय बादशाह जहांगीर ने एक अध्यादेश द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत कैप्टन हाकिस को सूरत में एक कोठी स्थापित करने का आदेश दे दिया लेकिन ये आदेश लागू नहीं हुआ कैसे जैसे ही कैप्टन हाकिंस इसके दरबार से उठा कुर्सी छोड़ी हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि पुर्तगाली भारत में स्थापित हो चुके थे और उनको पता लग गया कि अंग्रेज व्यापारी कैप्टन हाकिंस यहां पहुंच गया जो एक राजदूत के रूप में तो तुरंत चारों तरफ से पुर्तगाली आ गए और पुर्तगालियों ने इस जहांगीर को घेर लिया और घेरने के बाद में कहा साहब हमने सुना है कैप्टन हाकिन साहब से मिलने आया और आपने सूरत में उसको व्यापारिक कोठी स्थापित करने का अधिकार दे दिया क्यों दे दिया भारत में तो हम स्थापित हैं भारत में सुरक्षा हम आपको देंगे भारत में उपहार हम आपको देंगे तो पुर्तगालियों ने तुरंत जहांगीर को अपने घेरे में ले लिया और इम्प्रेस भी कर लिया तब जहांगीर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसने तुरंत सूरत में कोठी स्थापित करने का अपना अध्यादेश वापस ले लिया लेकिन एक बार सरकारी अध्यादेश जारी हो जाता है तो वापस होने की बात दूसरी वो लिखा जाएगा वो भारत के राजपत्र में गजट में लिखा जाएगा भले ही वापस ले लिया गया इसीलिए कहा जाता है अंग्रेजों की पहली कोठी एनसीआरटी के अनुसार सूरत में स्थापित की गई और यह बात सही भी है कहीं कोई किताब लिख रही हो या ना लिख रही हो कितनी भी कीमती किताब हो कोई भी हो स्पेक्ट्रम हो बीएल एल ग्रोवर हो बिपिन चंद्रा हो कोई भी किताब नहीं मानी जाएगी लेकिन एनसीआरटी का उत्तर माना जाएगा क्यों क्योंकि वो भारत सरकार की पुस्तक है तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों की भारत में पहली कोठी कहां स्थापित हुई तो सूरत में स्थापित हुई और अन्य किताबें इसीलिए लिखती कि भाई आदेश दिया लेकिन वास्तविक रूप से वो स्थापित तो नहीं हुई यानी व्यवहारिक रूप से स्थापित तो नहीं हुई तो अन्य किताबें लिखती तो वो भी सही लिखती हैं वो भी गलत नहीं लिखती लेकिन माना किसको जाएगा एनसीईआरटी को माना जाएगा तो इस गलत फहमी इस भ्रम को हमने दूर किया आप लोग क्लैरिटी पे आगे अगर सूरत नहीं रहता है फिर मसली पट्टम सही है मसूली पट्टम सही है जो दूसरी कोठी के रूप में स्थापित होती है अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक बात और देखिए तो एक तो इस कैप्टन हाकिंस को सूरत में कोठी स्थापित करने का आदेश दिया और भाई जहांगीर तो बादशाह है और ज्यादा इंप्रेस हुआ था तो जहांगीर जब इम्प्रेस हुआ तो जहांगीर ने इस समय अंग्रेजों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जो कालांतर में बड़ा चर्चित शब्द रहा अंग्रेजों के परिपेक्ष में इसी समय इसको इंग्लिश खां की उपाधि दी और इसी को फिरंगी खां की उपाधि दी तब से ही हम अंग्रेजों को इंग्लिश कहने लगे और तब से ही हम अंग्रेजों को फिरंगी कहने लगे यानी विदेशी तो जहांगीर ने कैप्टन हाकिस को इंग्लिश खां और फिरंगी खां की टाइटल यानी उपाधि भी प्रदान की थी ध्यान रखिएगा इसको तभी से यह नाम प्रचलित हो गया और अंग्रेजों को सभी अंग्रेजों को फिरंगी की उपाधि से हम लोग जानने लगे आगे देखिए जहांगीर ने वार्ता के समय सोलह में ये वही बात लेकिन बाद में इस आदेश को वापस ले लिया जो हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट के रूप में समझाया एक और महत्वपूर्ण बात एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है नोट में एक बात को देखना है समय है 1611 सो को 1608 सो निकल गया कैप्टन हाकिंस का समय निकल गया 1611 में एक अंग्रेज भारत आता है जिसका नाम है कैप्टन मिडल्टन ये जो कैप्टन मिडल्टन रहता है इसके नेतृत्व में स्वाली ये स्वाली कहां है भैया स्वाली गुजरात में है स्वाली एक गांव है स्वाली एक विलेज है और ये सूरत के पास में है सूरत का जो दूरवर्ती समुद्र वाला एरिया है अब सूरत में वैसे समुद्र कम आता है हमने देखा है वो एक दलदली क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो गया है लेकिन फिर भी कभी कभी वहां पे समुद्र आने का मतलब समुद्र का पानी आ जाता है कभी कभी तो वही जो समुद्री एरिया है उसी को स्वाली के नाम से जानते थे और उस समय तो समुद्र आता ही था उस समय तो उसमें जल था अब कम आता है तो ये जो स्वाली है स्वाली का एक तट है गुजरात में है सूरत के बिल्कुल पास में है यहां पे वर्ष 1611 में कैप्टन मिडल्टन और पुर्तगालियों के बीच में एक युद्ध हुआ इसमें कैप्टन मिडल्टन जो नौसेना अध्यक्ष था इसने स्वाली के तट पर पुर्तगालियों को पराजित कर दिया और पराजित करने के बाद में उनके कुछ जहाजों को छीन लिया और ध्यान से समझिएगा जब जहाजों को छीन लिया तो जहाजों को छीन के इस समय जहांगीर को दे दिया यह मुगल बादशाह था अब बताओ पुर्तगालियों के जहाजों को छीन के ये किसको दे रहा है यह जहांगीर को दे रहा है यही है कैप्टन मिडल्टन अब जहांगीर इससे पुनः प्रभावित होना प्रारंभ हो जाएगा जहांगीर का क्योंकि अभी तो थोड़े समय पहले पुर्तगाली जहांगीर के सामने उपस्थित हुई और कहा कि भाई हिंद महासागर में हम श्रेष्ठ हैं लेकिन अभी देखो तुरंत 1611 में परिवर्तन आता है अब पुर्तगालियों को पराजित कर देते हैं अंग्रेज और पराजित करके उन्हीं के जहाजों को उन्हीं से छीन के जहांगीर को सौंप देते हैं तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम अब तो जहांगीर यह मानेगा कि नहीं नहीं पुर्तगाली श्रेष्ठ है ही नहीं अब तो अंग्रेज श्रेष्ठ है अब और ज्यादा इंप्रेस होगा तो जहांगीर अब क्या कहता है जहांगीर ने कहा कि जो हमने आदेश दिया था आप लोगों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का उसको वापस ले लिया लेकिन अब पुनः जारी करता है तो यही माना जाता है कि अब अस्थायी रूप से सूरत में एक कारखाना स्थापित हो गया सोलह सो ग्यारह में यही बात कही जा रही है में अस्थाई रूप से अब यह कारखाना स्थापित हो गया पहले अस्थायी था क्योंकि वास्तव में वो व्यवहारिक रूप से आपके सामने नहीं आया था अब जब इंप्रेस हुआ तो कहा अब जाइए कीजिए इसके पूर्व अंग्रेज मसूली पट्टम में 1611 में एक कारखाना स्थापित कर चुके थे इसके बाद में क्या होता है इसके बाद में समय आता है 1615 सो का सोलह सो में सर टॉमस रो भारत आता है और ये भी ब्रिटिश सम्राट का एक अम्बेसडर है ये भी एक राजदूत है ये भी क्या है ये भी एक राजदूत है अब सर टॉमस रो जेम्स प्रथम का ही राजदूत है और आपसे पूछेगा ये भारत कब आया तो 1615 में आया लेकिन पहले 16 है उसके बाद में 15 है इस तरीके से भी याद हो जाएगा सोलह पंद्रह पंद्रह सोलह लेकिन पंद्रह सो सोलह मत करना अब तो कंपनियों अस्तित्व में नहीं आई थी बाबू तो सोलह सो पंद्रह में एक कैप्टन ये सर टामस रो भारत आया इसके पूर्व कैप्टन मिडल्टन सोलह सो ग्यारह में आया इसके पूर्व टामस रो के पूर्व और कैप्टन हाकि सोलह सो आठ में आ चुका था ये भी जहांगीर के दरबार में आया जहांगीर का शासन है ही अब जब ये आया तो इसने सूरत अजमेर अहमदाबाद भड़ौच आगरा प्रयागराज और बड़ौदा का व्यापक भ्रमण किया भड़ौच को भड़ौच जिसे हम लोग बोलते हैं भड़ौच एक बंदरगाह है गुजरात में स्थित है इसको गुजराती भाषा में भरूच बोलते हैं अपनी गुजराती भी लैंग्वेज है और ये जो आपको यहाँ पे बड़ौदा दिख रहा होगा हम लोग बड़ौदा बोलते हैं वो लोग बड़ौदा नहीं बोलते क्योंकि इस बड़ौदा में इस सूरत में दोनों स्थानों पे मैं पढ़ाया हूं तो ये लोग बड़ौदा जब मैं भी गया पहली बार तो वो लोग कह रहे थे बरौरा बरोरा ऐसे बोल रहे थे तो बरोरा कुछ और है बड़ौदा कुछ और है क्या चूंकि इतिहास मैं पढ़ाता था तो मुझे पता था बड़ौदा के गायकवाड़ हैं और जब कंपनी के मालिक ने हमें रिसीव किया तो दिखाया भी सर देखो वो बड़ौदा का गायकवाड़ का महल है और अभी भी काफी भव्य महल बना हुआ है सूरत से करीब करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर ही है बड़ौदा और बड़ौदा के बाद में भड़ोच पड़ता है और सूरत से बंबई करीब करीब डेढ़ किलोमीटर दूरी है ज्यादा दूरी पे नहीं है बंबई तो बरौरा इसे बोलते हैं अब ये आपको इस समय व्यापारिक स्थल के रूप में सब प्रसिद्ध है इसने व्यापक रूप से इन क्षेत्रों का क्या किया भ्रमण किया और जब बादशाह जहांगीर से मुलाकात की तो जहांगीर से इसने मुलाकात कहाँ की थी जैसे कैप्टन हाकिस ने आगरा दरबार में मुलाकात की थी तो इस समय आगरा दरबार में उपस्थित नहीं था जहांगीर तो इस टामस रो को जाना पड़ा था अजमेर क्योंकि अजमेर में इस समय जहांगीर था तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सर टामस रो ने बादशाह जहांगीर से मुलाकात कहाँ की तो बादशाह जहांगीर से इसने जो मुलाकात की वो अजमेर में मुलाकात की ध्यान रखना कई लोग गलत फहमी में आके दिल्ली लगा सकते हैं आगरा लगा सकते हैं फतेहपुर सीक्रिट टिक लगा सकते हैं लेकिन बात यहाँ नहीं किया है और ये सब मुग़लों की राजधानी के रूप में है इसीलिए टिक लगाएंगे लेकिन आप लोग बिल्कुल तैयार है ना ये अजमेर में मुलाकात करता है टामसरो टामसरो भी कई गिफ्ट लाता है कई उपहार लाता है तो टामसरो से भी प्रभावित होता है हालांकि बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता इसलिए बहुत सफलताएं इस टामसरो को नहीं मिलती यह 1619 तक भारत में रहा 1615 में यह भारत आया यहां पे देखिएगा ध्यान से टामसरो और 1619 तक यह भारत में रहा था यह भी ध्यान रखना है 1619 तक यह भारत में रहा था आप लोगों की सूचना के लिए अग्रिम सूचना के लिए बता दूं कि अभी आठ बज के 45 मिनट पे एक क्लास और होगी हमारी इसी YouTube चैनल पे होगी आठ बज के 45 मिनट पे, और इसमें मुगल बादशाह अकबर का हम लोग अध्ययन करेंगे लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से करेंगे अकबर कौन था उसकी राजपूत नीति क्या थी राजपूत नीति का आविष्कार क्यों किया उसके तत्व क्या हैं? उससे उसको फायदा क्या हुआ क्या स्वीकार किया राजपूत नीति के प्रकार क्या हैं? क्या आक्रमणकारी प्रकार है या समझौतावादी प्रकार है क्या है अकबर की धार्मिक नीति क्या वो सहिष्णुतावादी या असहिष्णुतावादी है क्या है पेटी कोट गवर्नमेंट कौन है बैरम खां जिसने अकबर को स्थापित किया सम्राट के रूप में तो बिल्कुल अलग तरीके से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे आज ही ये क्लास होगी आठ बज के पैंतालीस मिनट से इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से होगी और इसके पूर्व हम लोगों ने मुगल भारत का अध्ययन किया भी है ये भी ध्यान रखिएगा जैसे मध्यकालीन भारत में हम लोगों ने सल्तनत काल के इतिहास को पढ़ लिया है आज अकबर का नंबर है तो अकबर को बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ेंगे तो न्योता है पहले से ही आप लोगों को आमंत्रित हैं ठीक ध्यान रखिएगा आप सभी लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और शाहजहां जहां और कंपनी के संबंध को देखते हैं अब जहांगीर का समय समाप्त हो गया तो कंपनी और शाहजहां के बीच में क्या संबंध रहा इसको हम लोग देखते हैं तो साए जहां के पुर्तगालियों से संबंध अच्छे नहीं थे जहां गिर के तो चलो कुछ पुर्तगालियों से संबंध अच्छे थे लेकिन साए जहां के पुर्तगालियों से संबंध अच्छे ही नहीं थे तो स्वाभाविक रूप से आप भी सोचो जैसे यूपीएससी में थोड़ा सोचना भी है कई बार तर्क शक्ति तर्क क्षमता और आपके चैतन्य स्थिति के कारण यूपीएससी में कम से कम पांच प्रश्न सही होंगे जो आपने पढ़ा नहीं होगा तो जरा सोचो कि भारत में पुर्तगाली कंपनी स्थित है और पुर्तगाली कंपनी के साथ कई मतभेद हैं शायद जहाँ के यानी संबंध अच्छे नहीं है तो इसका फायदा किसको मिलेगा निश्चित रूप से इसको आप फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में मुख्य रूप से स्थापित हो जाएगी कई कोठी स्थापित करेगी इसी का फायदा अंग्रेजों को मिलेगा अब अंग्रेजों ने अब हुगली सोलह में अपनी पहली कोठी स्थापित की कहाँ है भैया? तो उंगलीली बंगाल में है इसी को हुबली के नाम से भी जाना जाता है ये एक नदी भी है यह भी ध्यान रखिएगा और होंगली नदी मुझे लगता है कि बंगाल के इतिहास में कहा जाता है कि काफी क्या है आ, बंगाल के इतिहास में काफी इसका घातक नाम लिया जाता है क्यों ऐसा कुछ किसी शब्द का भूगोल में प्रयोग किया जाता है और बंगाल में ही एक दूसरी कोठी स्थापित हुई सोलह सो ईस्वी में हरिहरपुर में अंग्रेजों की बंगाल में कई कोठियाँ स्थापित होती है एक हुगली में स्थापित हुई सोलह में ध्यान रखिएगा ये पूछा है तिथि पूछिए एक हरिहरपुर में सोलह में स्थापित हुई एक काशिम बाजार में भी ये भी बंगाल में है यहाँ भी स्थापित हुई और एक कोठी इसी के समय में उड़ीसा का एक जिला है इसका नाम है बालासोर यहाँ पे स्थापित हुई और अंग्रेजों ने अब बंबई में भी अपनी कोठी स्थापित कर ली कोठी का मतलब है व्यापारिक कोठी यानी गोदाम जहां से अंग्रेज भारतीय वस्तुओं को खरीदते थे खरीदने के बाद में जहां रखते थे उसी को गोदाम कहा जाता था उसी को कोठी कहा जाता था उसी को बेयर हाउस कहा जाता था और यहां से भारतीय वस्तुओं का विदेशों में निर्यात करते थे जैसे अफीम हो गया जैसे चाय हो गई जैसे मसाला हो गया जैसे नील हो गया जैसे सूती वस्त्र हो गया जैसे रेशमी वस्त्र हो गया जैसे काफी हो गई जैसे सोरा हो गया इन्हीं सभी वस्तुओं को रखते थे और रखने के बाद में यह निर्यात करते थे और निर्यात करके ही व्यापारिक लाभ प्रदान करते थे प्राप्त करते थे इसके बाद में कंपनी और मुगल बादशाह औरंगजेब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका मुगल बादशाह औरंगजेब से क्या संबंध था इसको हम लोग देखते हैं तो औरंगजेब के समय में कंपनी के व्यापारी इसको चुंगी नहीं देने लगे थे इसका इस लाइन का मतलब समझ में आया जरा समझाओ आप लोग चैट करके जो पहली लाइन है उसका मतलब समझ में आया जल्दी से बताओ जरा इस बात को आप लोग देखिए और बताइए आप सभी लोग कि पहली लाइन का मतलब समझ में आया जल्दी से बताइए आप सभी लोग चलिए केवल यही बोलिए कि हां एस या नो इतना ही बोलिए समझ में आया एस या नो चार बजे से हमेशा ये क्लास शुरू होगी कल भी क्लास रहेगी निश्चिंत रहिए ये पहली लाइन का मतलब समझ में आया नहीं आया जल्दी से बताइए पहली लाइन का मतलब समझ में आया देखिए आपके सामने पहली लाइन है जल्दी से बताइए बिल्कुल आया यस कर नहीं देते थे नो नहीं आया गुड बड़ी ईमानदारी से बताया अच्छा नो नहीं आया आइए समझते हैं फिर इसको जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी कई कोठी अपनाने लगी बनाने लगी और भारत से भारतीय वस्तुओं को खरीद के विदेश भेजने लगी तो अभी भी विदेश से जो कोई वस्तु आती है भारत में तो भारत सरकार उस पर टैक्स लेती है और यहां से विदेश जाती है तो विदेशी शासक टैक्स लेते हैं तो जब ये लोग कंपनी के अधिकारी कर्मचारी और व्यापारी भारतीय वस्तुओं को खरीद के बाहर ले जाते हैं तो इससे जो भारत का मुगल बादशाह होता था उस समय एक कर होता था जिसको चुंगी कर के नाम से जानते हैं बाद में इसी को सीमा शुल्क के नाम से जानने लगे एक्साइज ड्यूटी के नाम से जानने लगे जब कस्टम एक्साइज में आप लोग अधिकारी बनेंगे आई बनेंगे तो यही सब देखने को आपको मिलेगा अब तो खैर जीएसटी हो गया तो ये जो अंग्रेज व्यापारी थे वो औरंगजेब को चुंगी नहीं देते थे बादशाह को चुंगी नहीं देते थे तो जरा आप सोचिए कि बादशाह को चुंगी नहीं मिलेगी या आपको ही बादशाह के रूप में होंगे और चूंगी नहीं मिलेगी तो क्या आप ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रसन्न होंगे नहीं ना और वैसे औरंगजेब थोड़ा सा कट्टर थोड़ा सा ताकतवर शासक है उसने क्या किया औरंगजेब ने कहा कि ये जो अंग्रेजी व्यापारी हैं, ये चुंगी हमें नहीं देते तो इनको सबसे सबको भारत से भगा दो सबको जल्दी से जल्दी भारत से बाहर खदेड़ो अपने अधिकारियों को एक आदेश पत्र दे दिया एक फरमान जारी किया तो एक बार यूपीएससी ने पूछा अंग्रेजी व्यापारियों को भारत से बाहर भगाने का फरमान औरंगजेब ने कब जारी किया तो ये 1688 सो ईस्वी में जारी किया कब जारी किया 1688 सो ईस्वी में जारी किया अब अंग्रेजी व्यापारियों में त्राहीमाम त्राहीमाम की स्थिति मत जाएगी चूंकि औरंगजेब के जो मीरबक्सी हैं जो कमांडर इन चीफ हैं जो सेनापति हैं वो अंग्रेजी व्यापारियों को भारत से बाहर खदेड़ने में लग जाएंगे अब इस समय अगर औरंगजेब यह काम कर देता और खदेड़ देता तब तो काम सही हो जाता लेकिन अंग्रेज बड़े सातिर थे बड़े चालान थे उनके दिमाग को हम लोग पढ़ नहीं पाते थे यही हम लोगों ने गलत किया वो क्या हो गए जब उन्होंने देखा कि हम कमजोर हैं बादशाह औरंगजेब के सामने हम इससे युद्ध में जीत नहीं सकते तब वो झुक गए तब नतमस्तक हो गए और नतमस्तक हो गए औरंगजेब के सामने उपस्थित हुए और औरंगजेब से उन्होंने माफी मांग लिया कहा साहब माफ कीजिए अब हम आपको चूंगी देंगे औरंगजेब और भी वैसे औरंगजेब ने कहा साहब ऐसा है कि नियमित रूप से चूंगी भी देते रहिए और कुछ जुर्माना भी दीजिए लेकिन व्यापार करते रहिए अब कोई दिक्कत नहीं है अब यही भी अगर औरंगजेब खदेड़ देता तो फिर काम ही खत्म हो जाता लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो जब भी कभी अंग्रेज भारत में अपने आप को पराजित होते हुए देखते थे तो वो बड़े चांक और सातर थे वो भारतीय शासकों के सामने नतमस्तक हो जाते थे और माफी मांग लेते थे क्योंकि तो बड़े सातिर थे लेकिन दोनों में बाद में समझौता हो गया अब आगे देखिए इसी औरंगजेब के समय में एक टर्निंग पॉइंट आता है और समय आता है सोलह सो का सोलह सो अट्ठानबे ईस्वी टर्निंग पॉइंट है अंग्रेजों के भारतीय व्यापार का सोलह सो अट्ठानबे ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बंगाल का एक गांव है सुतानती, नदी दूसरा है कोलकाता और तीसरा है गोविंदपुर ये औरंगजेब के समय में इन तीनों गांवों की जमींदारी किसको मिल जाती है कंपनी को मिल जाती है जमींदारी अंग्रेजों को मिल जाती है जमींदारी मिलने का मतलब क्या है देखो जमींदारी मिलने का मतलब ये है भैया कि ये तीनों गांव मात्र 1200 रुपए देकर इस गांव के जमींदारों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन जमींदारों से पट्टे पर ले लिया और पट्टे पर ले लिया तो अंग्रेज अब इस गांव का राजस्व वसूलने लगे यानी भू राजस्व वसूलने लगे टैक्स वसूलने लगे जमींदारी मिल गई कालांतर में इन्हीं तीनों गांवों को मिलाकर कंपनी ने सत्रह सौ ईस्वी में एक किले बंद कोठी स्थापित की और इसी को फोर्ट विलियम के नाम से जाना गया अब एक प्रश्न आप लोगों से है कि यह जो कोठी स्थापित हो रही है सोता कोलकाता और गोविंदपुर नामक गांवों को मिला के आखिर इसका नाम फोर्ट यानी किला और बिलियम क्यों पड़ा सोचो जरा सोचिए मैं सोचने का मौका दे रहा हूं यूपीएससी में अगर सोचना शुरू कर देंगे फिर आपका लक्ष्य आपके बहुत समीप हो जाएगा इसीलिए आपको मौका दे रहा हूं तो जरा एक बार सोचिए आप सभी लोग तो फोर्ट विलियम ये कौन है फोर्ट का मतलब होता है फोर्ट यानी किला और बिलियम एक नाम है किसका राम नाम है ये ब्रिटिश राजा का नाम है ये किसका नाम है ये ब्रिटिश राजा का नाम है ठीक और ये जो ब्रिटिश राजा है ये फोर्ट विलियम थर्ड है यानी विलियम थर्ड है और इसी विलियम थर्ड के सम्मान में इस किलेबंद कोठी का नाम फोर्ट विलियम रख दिया गया तो विलियम द्वितीय नहीं है विलियम चतुर्थ नहीं है ये विलियम तृतीय है इस समय राजा है और इसी के सम्मान में इस किले बंद कोठी का नाम क्या रख दिया गया इस किलेबंद कोठी का नाम रख दिया गया फोर्ट विलियम अब एक प्रश्न यहां पे पूछा है इसको देखिए और बताइए आप सभी लोग उत्तर एक प्रश्न है और इस प्रश्न को जरा देखिए और बताइए आप लोगों के सामने प्रश्न है जो यूपीएससी में पूछा है यहीं से एक प्रश्न देखिए प्रश्न की रूपरेखा देखिए और बताइए हाँ बाकी मैं बताता हूं अभी बाकी किले बंद कोठी का नाम मैं अभी बताता हूं क्या होगा इसका उत्तर बताइए सभी लोग बताइए सभी लोगों का कमेंट और चैट आना चाहिए जल्दी से बताइए क्या होगा इसका उत्तर क्या होगा भाई इसका उत्तर हाँ वेरी गुड बहुत अच्छी बात एक तरफ से उत्तर क्या आ रहा है एक तरफ से आप लोगों का उत्तर ए विकल्प के रूप में आ रहा है यानी इसके पूर्व आप लोगों ने पढ़ा था अभी हमने बताया तो आपको तो यहीं से प्रश्न की रूपरेखा भी हमने आपको बता दी तो यहाँ पे देखो प्रश्न कैसे पूछा गया कई बार जैसे आपसे कहा जाए कि ये सोलह में तीनों गांवों की जमींदारी मिली तो सोलह में जबकि सत्रह में अस्तित्व में आ गई है अब कोठी क्या होती है कोठी का मतलब जैसे अंग्रेजों ने अपना एक बेयर हाउस या एक गोदाम स्थापित किया ठीक एक आपिस बनाई अब इस आपिस को बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चार दीवारी से चारों तरफ से घेर दिया और इस मुख्य दरवाजे पे यहाँ पे आशीष को रख दिया दरबान के रूप में अभी बता रहे थे ये कुछ ठीक इनको पिस्टल वगैरह दे दी इनको क्या दे दी पिस्टल वगैरह दे दी जैसे आज भी तो होता है आज नहीं होता क्या जैसे मुख्यतया गोल्डन या सोने की दुकान पे आप लोग जाते होंगे तो देखते होंगे एक दरबान बैठा रहता है गेटकीपर बैठा रहता है बंदूक लिए हुए बैठा रहता है क्यों आशीष तो यही सुरक्षा प्राचीर के रूप में यही रक्षा दीवार के रूप में है यही रक्षा प्राचीर के रूप में अब ये एक फोर्ट के रूप में स्थापित हो जाएगी एक किले के रूप में स्थापित हो जाएगी एक चौहदी बना दी जाएगी एक सीमा रेखा बना दी जाएगी इसी को फोर्ट का रूप दे दिया जाएगा हालांकि फोर्ट है नहीं फिर भी घेरा जाएगा तो यह किले के रूप में आ जाएगी ठीक तो इस प्रश्न के माध्यम से भी आप लोगों ने देखा अब थोड़ा आगे बढ़िए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है पहलू है कंपनी और मुगल बादशाह फरूखियत तो ध्यान रखिएगा एक प्रश्न और आपसे पूछ लें यहां पे आप लोग एक प्रश्न है आप लोग बताइए औरंगजेब औरंगजेब की, की मृत्यु कब हुई थी कब हुई थी क्योंकि इसके बाद के इतिहास को पढ़ेंगे अभी और कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को पढ़ेंगे औरंगजेब के इतिहास को हम लोग देख चुके इसके समय में क्या प्रगति की कंपनी ने तो कब हुई थी ए विकल्प के रूप में देखिए उत्तर आप लोग सात मार्च सत्रह सो सात बी विकल्प तीन मार्च सत्रह सो सात विकल्प सत्ताईस मार्च ये बताइए एक टर्निंग पॉइंट है इसीलिए पूछ रहा हूं सत्रह सो सात डी विकल्प एक मार्च सत्रह सो सात जल्दी से बताइए क्या होगा सही मृत्यु कब हुई थी इसकी इसकी मृत्यु कब हुई थी सत्रह सो सात तो हमें भी पता है आप बता देंगे बताइए अभी तक कोई सही नहीं बताया है अभी तक कोई सही नहीं बताया है एक लोगों ने सही बता दिया है वैसे रुक्मिनी शर्मा पंडित जी ने सही बताया है अभी तक बस और भी एक लोगों ने बताया हितंबरा भूषण और भी कुछ लोगों ने सही बताया और भी कुछ लोगों ने सही बताया वेरी गुड बहुत अच्छी बात तो क्या उत्तर होगा तीन मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो गई दक्षिण में इसकी मृत्यु हुई इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र बहादुर शाह सा प्रथम शासक बना कौन शासक बना बहादुर शाह प्रथम शासक बना तो ये जो बहादुर शाह प्रथम है इसकी कई उपाधि है इसका जो मूल नाम है वो है मुअज्जम ये औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा था इसका मूल नाम है मुअज्जम इसी को शाह आलम प्रथम के नाम से जाना जाता है इतिहासकार खाफी खाने इसी को बादशाह ए बेखबर के नाम से पुकारा था यानी ऐसा बे, जो दरबारी से बेखबर रहता है। अब इसने अपने समय काल में कंपनी से समझौतावादी रुख अपनाया हालांकि कंपनी का कोई विकास नहीं हुआ इसके बाद में इसी का पुत्र बादशाह बना, जिसका नाम था जहादर शाह कालांतर में जो जहादर शाह था वह एक वैश्या से प्यार करता था और उसी से फरूख शेर का जन्म हुआ तो जब जन्म हो गया तो फरूख शेर से फिर जहांदार शाह सा ने शादी तब उसी वैश्या से फिर जहांदार शाह सा ने शादी कर ली फारूक शेयर के समय में कंपनी की गतिविधियों में एक परिवर्तन आता है इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा कंपनी और बादशाह फारूक शियर जब फारूक शियर बादशाह बनता है तो ये सैयद बंधुओं के सहयोग से बादशाह बनता है मैं उस इतिहास के गर्त में नहीं जाऊंगा केवल कंपनी पे कंसंट्रेट रहूंगा क्योंकि तो हमारी खास बात है कि हम किसी भी एक पॉइंट से पूरे इतिहास को पढ़ा सकते हैं मेरी एक खासियत है एक पॉइंट कहीं से मिल जाए फिर पूरा इतिहास हम चलते जाएंगे चलते जाएंगे कहीं छूटने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन हमें टू द पॉइंट पढ़ना है ना तो ये जो फारूख शेयर है फारूख शेयर के समय में वर्ष 1715 सो में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मिशन भारत में आता है और भारत की व्यापारिक गतिविधियों का सर्वेक्षण करता है इस मिशन का नाम है जान सरमन मिशन इस मिशन का नाम है क्या जान सरमन मिशन 1715 सो ईस्वी में भारत आता है अब जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में ये जो कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी हैं भारत में ये अपनी नीतियों में भारत में परिवर्तन लाते हैं अब ये क्या करते हैं अब देखिए अब यह भारत में अपना विकास चापलूसी के द्वारा रिश्वत के द्वारा उपहार के द्वारा करने लगते हैं यानी साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से इनको भारत में व्यापार करके अधिकाधिक धन प्राप्त करना है अब यह ये नहीं देख रहे कि केवल मेहनत के द्वारा हमें व्यापारिक अधिकार मिलेगा साम दाम दंडभेद किसी भी नीति के माध्यम से अब इनको भारत के व्यापार में नंबर एक पे स्टैब्लिश होना है तो ये जो जान सरमन मिशन भारत में आता है तो ये मुगल बादशाह जो रहता है फरूख इसको एक असाध्य बीमारी हुई रहती है और इस असाध्य बीमारी का नाम क्या है इस असाध्य बीमारी का नाम है फोड़ा यह ठीक ही नहीं होता था ऐसा लगता था कि इस फोड़े के माध्यम से बादशाह शेर का पूरा जो ब्लड है वह पानी बन गया है खराब हो चुका है बिल्कुल मरने के कगार पर आ गया था बादशाह शेर यह बीमारी समाप्त ही नहीं हो रही थी तो ये जो जान सरमन मिशन 1715 में भारत आया इसी में एक डॉक्टर था और इस डॉक्टर का नाम क्या था इस डॉक्टर का नाम था हैमिल्टन जब इस डॉक्टर को पता चला कि बादशाह फारूख शेर को यह बीमारी हुई है तो ये बादशाह से इसने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद में कहा कि मैं इस बीमारी को समाप्त कर दूंगा और कालांतर में बादशाह फारूख शेर को इस बीमारी से निजात दिलवा दी इस हैमिल्टन ने तो अब बताइए ये जो बादशाह फरूख सियर है क्या ये कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी या हैमिल्टन से प्रभावित होगा कि नहीं प्रभावित होगा क्योंकि दूसरी बार इसको एक जन्म मिल रहा है डॉक्टर को वैसे भी भगवान का दर्जा दिया गया है तो ये बादशाह फरूख सियर प्रभावित होगा और प्रभावित होकर यह बादशाह इस समय अंग्रेजों को वर्ष सत्रह में एक शाही फरमान जारी करेगा क्या जारी करेगा एक शाही फरमान जारी करेगा कब वर्ष 1717 सो ईस्वी में अब इस शाही फरमान के द्वारा बादशाह फरुख शेयर कंपनी को कई व्यापारिक अधिकार प्रदान करता है और यह व्यापारिक अधिकार आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए यह पूछा जाता है कई बार तो ये वर्ष 1717 का फरमान यहाँ पे हमने हेडिंग के रूप में रखा है अब अगर आपसे पूछे कि वर्ष सत्रह सो सत्रह का शाही फरमान किसने दिया तो मुगल बादशाह फरूख ने दिया किसको दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया अब इस फरमान में क्या था अब अंग्रेजों को इस समय कई समस्याएं भारतीय व्यापार में हो रही थी पहली समस्या ये थी कि जो सूरत नगर था सूरत नगर में जो कंपनी के अधिकारी थे कर्मचारी थे व्यापारी थे वो मुक्त व्यापार करना चाहते थे तो इस समय बादशाह फरूख शेर ने सबसे पहले क्या कहा सबसे पहले एक बात कही कि देखिए मैं दस हजार रुपए लूंगा और दस हजार रुपए सालाना सालाना का मतलब क्या हुआ भाई लोग सालाना का मतलब हुआ वार्षिक मंथली नहीं वार्षिक वार्षिक लेके आप पूरे सूरत नगर से सूरत क्षेत्र से सूरत शहर से आप फ्री टेट कीजिए केवल दस हजार रुपये वार्षिक हमें दीजिए मात्र दस हजार रुपये लेकर सूरत नगर को कंपनी को अंग्रेजों ने दे दिया कंपनी को सॉरी कंपनी को मुगल बादशाह फरूख शेर ने अंग्रेजों को दे दिया अब फ्री ट्रेड करेंगे यहां से केवल दस हजार रुपए देकर यह बहुत बड़ी बात थी बहुत बड़ी सफलता थी इसके बाद में और तीस हजार रुपए वार्षिक लेके ईस्ट इंडिया कंपनी को जो अधिकार सूरत के क्षेत्र में मिला था वही अधिकार बंगाल के क्षेत्र में भी मिल गया लेकिन इसकी इसकी जो कीमत थी वो तिगुना थी चूंकि बंगाल इस समय व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था सभी लोग कलकत्ता की तरफ भागे हुए चले जा रहे थे कोई गुड़गांव नहीं आता था नोएडा नहीं आता था क्यों क्योंकि ये था ही नहीं उस समय दिल्ली कोई नहीं आता था सब कलकत्ता भागे चले जा रहे थे बंगाल को कर मुक्त अधिकार दे दिया इसके बाद में अंग्रेजों ने बंबई में अपनी एक टकसाल स्थापित की थी कहां पे? बंबई में टकसाल में सिक्के ढाले जाते थे टकसाल में क्या ढाले जाते थे सिक्के ढाले जाते थे अब ये जो सिक्के बंबई टकसाल में ढाले जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के होते थे अब इसी फरमान में बादशाह फारूख शेर ने कहा कि अब आपके सिक्के बंबई में नहीं पूरे भारत में चलने लगे ऑल ओवर इंडिया में अब प्रचलित हो गए अंग्रेजों के सिक्के एक बात और कि यह जो कलकत्ता था कलकत्ता व्यापारिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था लेकिन कलकत्ता में वर्ष 1717 के पूर्व ये जो अंग्रेज व्यापारी होते थे ये है यहाँ पे कोई जमीन नहीं खरीद सकते थे ये है यहाँ पे कोई जमीन नहीं खरीद सकते थे इनको कोई कमरा भी रेंट पे नहीं देता था ये ऐसे ही बाहर पड़े रहते थे तो हैमिल्टन ने कहा कि बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है साहब आपके बंगाल में आपके कलकत्ता में तो कम से कम एक बात हमारी ये भी मानिए कि हमें कलकत्ता के आसपास में जमीन लेने का अधिकार दे दीजिए और यहाँ के लोगों से भी एक बार कहिए कि मुसीबत के समय में हमें अपनी अपने घर में भी रखें और हमें रेंट पे रखें तो यह अधिकार भी 1717 के इसी फरमान द्वारा मुगल बादशाह फरूख ने दे दिया तो आप लोगों ने देखा कि मुख्यतया चार बातें इस फरमान में थी रिविजन कीजिए एक बार दस हजार रुपये के बदले कंपनी को फारुख शेर ने सूरत नगर दे दिया तीस हजार रुपए के बदले बंगाल को दे दिया बंबई की इंग्लिश कंपनी के सिक्के पूरे भारत में चलेंगे और कलकत्ता के आसपास जमीन खरीद सकेंगे अंग्रेजी लोग अब यह जो अधिकार था यह अधिकार कंपनी के लिए एक महान अधिकार पत्र के समान था इसीलिए एक इतिहासकार है और इस इतिहासकार का नाम क्या है इस इतिहासकार का नाम है आर्म्स इस इतिहासकार ने वर्ष 1717 के फारूख के इसी फरमान को फारुख के इसी फरमान को क्या कहा मैगना कार्टा कहा था कंपनी के लिए मैगना कार्टा कहा था यानी कंपनी के लिए यह महान अधिकार पत्र के रूप में था ध्यान रखिएगा आप लोग किसने कहा यह इतिहासकार और कहा था ठीक अब एक प्रश्न यहां पे पूछ लू आप लोगों से बड़ी देर हुआ इसमें ए विकल्प में उत्तर है और प्रश्न क्या है और किस देश का इतिहासकार था किस देश का किस देश का इतिहासकार था यानी हिस्टोरिक पर्सन था एसपी था शॉर्ट फॉर्म में यहां पे लिख दिया जा रहा है किस देश का इतिहासकार था ये ऑर्म्स विकल्प में आपको जर्मनी मिल रहा है बी विकल्प में आपको फ्रांस मिल रहा है ध्यान से बताइएगा देखता हूं कौन बताता है उत्तर सी विकल्प में आपको उत्तर ब्रिटिश मिल रहा है या इंग्लैंड मिल रहा है और डी विकल्प में आपको उत्तर पुर्तगाल मिल रहा है और यहां पे एक विकल्प और है ध्यान रखना पांच विकल्प हैं इटली ये किस देश का इतिहासकार है जल्दी से बताइए आप सभी लोग जर्मनी फ्रांस इंग्लैंड यानी ब्रिटिश और पुर्तगाल और इटली है बताइए भाई क्या उत्तर होगा इसका क्या होगा इसका उत्तर जल्दी से बताइए आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा फ्रांस होगा क्यों अच्छी बात है बताइए बताइए अगर तर्कशक्ति का प्रयोग करेंगे तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो इस उत्तर को नहीं बता सकता लेकिन तर्कशक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपके हाथ से ये प्रश्न फिसल जाएगा प्रश्न नहीं उत्तर फिसल जाएगा चित्रेश्वर गोस्वामी जी आपके हाथ से तो बिल्कुल फिसलता हुआ नजर आ रहा है बताइए क्या होगा इसका उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताइए जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग बताइए अच्छा अभी भी लोग देखो ये किसके बारे में कह रहा है कि ये मैग्ना कार्टा है ये इंग्लैंड के बारे में कह रहा है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कह रहा है कि 1717 में जो हमें अधिकार फारूख शेर से मिला वो हमारे लिए एक महान अधिकार पत्र के समान है वो टर्निंग पॉइंट है वो मैग्ना कार्टा के समान है हमारे लिए समझे आप यानी इंग्लैंड के लिए तो इंग्लैंड का इतिहासकार है तो ब्रिटिश इतिहासकार है तो विकल्प उत्तर के रूप में क्या होगा सी होगा बालक इतना भी दिमाग आप लोग नहीं लगा पाए इसीलिए कहता हूं तर्क शक्ति का प्रयोग भाई जब ये अपने बारे में कह रहा है तो ये ज्यादा संभावना तो यही होगी कि ये यही का इतिहासकार हो ज्यादा संभावना तो यही होगी ना कि ये ब्रिटेन का ही इतिहासकार हो भाई ठीक आगे देखिए और देखो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया ये थोड़ी देर अभी पहले आपको पढ़ाया था तो ये देखिए ये यहां पे नोट में ये बात लिखी है देखिए आप लोग देखिए यही देखने की चीज है देखने की चीज है हमारी समझ रहे ना यही लिखा हुआ है ब्रिटिश अगर देखा होता तो सब लोग सही बताते और उसने इस फरमान को कंपनी का क्या कहा कहा मैग्ना कार्टा मैं समझ जाता हूं आप लोगों की स्थिति को कि किसका ध्यान इधर है भले ये ऑनलाइन की क्लासेस है लेकिन एक्सपर्ट के रूप में मैं पूरा एफर्ट करता हूं कि आप लोगों को समझ सकूं और आप लोगों में चैतन्यता ला सकूं आप लोगों में एक जोश एक उत्साह पैदा कर सकूं एक ललक पैदा कर सकूं और आपका ध्यान पूरी तरीके से इस स्मार्ट बोर्ड की तरफ से हो इस अभिलेख की तरफ हो इस इंस्क्रिप्शन की तरफ हो इस एडिक्स की तरफ हो तो देखते रहिएगा आप लोग आगे बढ़िए गोलकुंडा का शासक और ईस्ट इंडिया कंपनी गोलकुंडा का मतलब है हैदराबाद और इस समय है हैदराबाद में कुतुब शाही वंश का शासन है तो एक बात ध्यान से देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक कोठी वर्ष सोलह में इसी मसूली पट्टम में स्थापित हुई थी और मसूली पट्टम यानी पट्टम में स्थापित हुई थी हालांकि ये यह आदेश तो बादशाह जहांगीर ने दिया था तो वो तो भारत का बादशाह था ना और अपने अधीन ही गोलकुंडा का शासक था उसी को आदेश दिया उस आदेश को ये कैसे रोक सकता था लेकिन क्षेत्रीय शासक तो गोलकुंडा का शासक ही था तो इसी ने इसे कार्य रूप में स्थापित करवाया तो 1611 में गोलकुंडा में और गोलकुंडा के मसलीपट्टम या मसूलीपट्टम या आंध्र प्रदेश में एक कोठी अंग्रेजों की स्थापित हुई और इस समय ये जो गोलकुंडा का शासक था इसका नाम क्या था ये आपसे पूछ लेगा कुली कुतुब शाह यहाँ का शासक था तो आपसे पूछेगा कि मसलीपट्टम या मसूलीपट्टम में अंग्रेजों की जब कोठी स्थापित हुई तो यहाँ शासक कौन था और उत्तर कैसे देगा कुली कुतुब शाह अब्दुल्ला कुतुब शाह मोहम्मद कुतुब शाह ऐसे उत्तर देगा और आप लोग फंस जाएंगे यूपीएससी है जो आपको फंसा सकता है तो इसीलिए आपको यहां पे बता रहा हूं कि ध्यान मग्न रहिएगा। समय आया सोलह सो बत्तीस का और इस समय गोलकुंडा का ये देखो अब शासक चेंज हो गया अब्दुल्ला कुतुब शाह आ गया उस समय कुली कुतुब शाह था तो सभी के नाम के बाद में कुतुब शाह लगेगा क्योंकि कुतुब शाह टाइटल है बंश है और टाइटल बाद में ही लगती है अब ये अब्दुल्ला शासक है यह सोलह सो बत्तीस में एक फरमान जारी करता है अब्दुल्ला पूछ भी सकता है, है फरमान भारतीय इतिहास में गोल्डन फरमान के नाम से जाना जाता है लेकिन गोल्डन फरमान को हिंदी में सोना फरमान नहीं कहा जाएगा ध्यान रखना गोल्डन फरमान को हिंदी में सुनहला फरमान के नाम से जाना जाता है और इस सुनहले फरमान या गोल्डन फरमान के द्वारा इस गोलकुंडा या हैदराबाद के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने कंपनी को कुछ व्यापारिक अधिकार प्रदान किए और यह व्यापारिक अधिकार मात्र 500 सौ पैगोड़ा लेकर कंपनी को प्रदान किया और यह व्यापारिक अधिकार क्या था अब ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि आप मुझे 500 सौ रूप पांच पैगोड़ा वार्षिक दीजिए और पूरा जो गोलकुंडा बंदरगाह है इसका प्रयोग आप कर सकते हैं गोलकुंडा बंदरगाह के रूप में तो पैगोडा क्या है ध्यान रखिएगा पैगोडा यहां पे लिखा है सॉरी ये 500 कर लीजिएगा ठीक 500 सौ वार्षिक लेके अंग्रेजों को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा जो गोलकुंडा बंदरगाह है वहां से व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी और इसी व्यापारिक छूट को गोल्डन फरमान या सुनहला फरमान के नाम से जाना गया ये जो पैगोड़ा है ये सोने का सिक्का है ध्यान रखिएगा ये क्या है भैया ये सोने का सिक्का है पैगोड़ा और वार्षिक ये ले रहा है पांच सौ पैगोड़ा पूरा गोलकुंडा बंदरगाह से कंपनी अब व्यापार कर सकती है तो दो रिलैक्स मिला एक तो मसूली पट्टम में इन्होंने अपनी कोठी स्थापित की और एक गोल्डन फरमान मिला कहां के शासक से गोलकुंडा के शासक थे यानी हैदराबाद के शासक से आगे बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण बात तमिलनाडु का शासक और ईस्ट इंडिया कंपनी इसको देखिए आप लोग तमिलनाडु का शासक और ईस्ट इंडिया कंपनी तो समय है सोलह सौ ईस्वी का और सोलह सौ ईस्वी में एक अंग्रेज था इसका नाम था फ्रांसिस डे इसके नाम को जरूर याद रखिएगा आप सभी लोग इस अंग्रेज का नाम क्या था इस अंग्रेज का नाम था फ्रांसिस डे ये जो फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज है इसने दक्षिण भारत के राजा चंद्रगिरी से मद्रास को पट्टे पर ले लिया ये मद्रास कहाँ पे है ये मद्रास तमिलनाडु में है और तमिलनाडु की राजधानी के रूप में है कैपिटल के रूप में है और इसी का नाम आधुनिक भारत में चेंज करके चेन्नई रख दिया चेंज करके चेन्नई रख दिया ठीक तो ये मद्रास आधुनिक चेन्नई के रूप में स्टैब्लिश है यहां पर अंग्रेजों ने एक किलेबंद कोठी बनाई थी और इस कोठी को किसके नाम से जानते हैं इस कोठी को फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जानते हैं अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है तो चेन्नई में है चेन्नई कहां है यानी मद्रास में एक प्रश्न और आपसे पूछ सकता है कि ये फोर्ट सेंट जॉर्ज किसकी कोठी है ये जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है देखो प्रश्न कैसे पूछेगा फोर्ट सेंट जॉर्ज में किले बंद कोठी किस व्यापारिक कंपनी ने बनाई थी किस व्यापारिक कंपनी ने बनाई थी तो इसमें आपको दे सकता है उत्तर में कई जैसे पुर्तगाली भी दे सकता है जैसे फ्रांसीसी भी दे सकता है जैसे डच भी दे सकता है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भी दे सकता है तो क्या उत्तर होगा इसमें जल्दी से ध्यान पूर्वक देखिए और बताइए क्या उत्तर होगा भाई ब्रिटिश होगा वेरी गुड क्या होगा ब्रिटिश होगा यानी ईस्ट इंडिया कंपनी होगा यानी ये जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है ये किसकी किलेबंद कोठी है ये अंग्रेजों की है यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की है ध्यान में रखिएगा किसकी है ईस्ट इंडिया कंपनी की ये है कोठी है <coughs> अब एक नई हेडिंग है इसको आप लोग देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है कई बार ये प्रश्न के रूप में पूछा गया है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किन वस्तुओं को इंग्लैंड या अन्य देशों से लाती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी अन्य देशों से लाएगी तो इसे क्या कहा जाएगा जब भारत ला रही है ये वस्तुओं को तो आयात कहा जाएगा जब भारतीय वस्तुओं को ये बाहर ले जाएगी तो इसे निर्यात कहा जाएगा तो ये किन वस्तुओं का आयात करती है किन वस्तुओं का निर्यात करती है इसको देखिए प्रश्न के रूप में तो आयातित वस्तुएं क्या हैं? ये सोना लाती है ये चांदी लाती है ये ताला भी लाती है ये शराब भी लाती है ये तेल भी लाती है यूरोप की शराब अत्यंत तो फेमस शराब है ड्रिंक सोमरस जिसे बोलते हैं और निर्यात में क्या क्या है निर्यात में ये सूती वस्त्र है भारत से ये सूती वस्त्र खरीदती चूंकि सूती वस्त्र भारत का अत्यंत प्रसिद्ध है प्राचीन काल से चाहे वो बंगाल का मलमल -मल हो या वाराणसी का मलमल -मल हो या सूरत का हो रेशमी वस्त्र भी है अफीम अफीम की खेती खूब होती है भारत में और यहां से ये खरीदते थे और चाइना भेजते थे अंग्रेजों ने चाइना को संभाले रखा खूब अफीम को बेच के एक तरीके से आगे बढ़ने ही नहीं दिया लेकिन बाद में धीरे धीरे चाइना ने प्रगति की और वो काफी आगे बढ़ गया तो अंग्रेज समझते थे और अफीम का सबसे ज्यादा व्यापार चाइना के साथ होता था और सोरा ये जो बारूद को ठंडा करता है ये नील जिसके कारण भारत में कई विद्रोह हुए चंपारण सत्याग्रह भी इसी का प्रतीक है कच्चा रेशम जिसको ब्रिटेन को बहुत सख्त जरूरत थी जब वहां पे औद्योगिक क्रांति आई तब मलमल -मल, मोती हाथी दात ये सब ये भारत से खरीदते थे और विदेशों को भेजते थे तो इनकी ये निर्यातित हैं और ये आयातित वस्तुएं हैं ठीक इनका ध्यान रखिएगा अब एक बात और है यहाँ पे इसको देखिए आप सभी लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा तभी आपकी समझ में ये बात आएगी यहाँ पे हम हेडिंग थोड़ा चेंज करेंगे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कंपनी के नाम का इतिहास क्या है के नाम का इतिहास क्या है इसको समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण है ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है समय समय पे कंपनी के नाम के इतिहास में परिवर्तन आया तो कैसे परिवर्तन आया इसको हम समझते हैं ध्यानपूर्वक समझिएगा इस तरीके से आपको न कहीं लिखा हुआ मिलेगा ना समझ ही सकते हैं आप तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सितंबर पंद्रह सौ में हुई तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था इस ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था तो इसका नाम क्या था तो आपसे पूछा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम क्या है और पूछा है इसीलिए मैं इसको पढ़ा भी रहा हूं ये सारी लाइन आपको स्पेक्ट्रम में नहीं मिलेगी ध्यान से समझिएगा इसीलिए इस कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज ठीक ये इसका नाम था जब यह कंपनी स्थापित हुई तो इसका मूल नाम ये था यानी ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम नहीं था इसके बाद में समय आया 1688 सो ईस्वी का और 1688 सो ईस्वी में ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ तो ब्रिटेन के राजा ने एक नवीन कंपनी को भी भारत में व्यापार करने का आदेश दिया और ये जो कंपनी भारत व्यापार करने के लिए आ रही है इसका नाम है न्यू कंपनी यह भारत कब आ रही है यह सोलह सो ईस्वी में आ रही है इसी समय एक कंपनी और आ रही दो कंपनियां आ रही नहीं एक कंपनी ये सोलह में आई इसके बाद में कुछ समय बाद एक और कंपनी आई और इसका नाम था जर्नल सोसाइटी और देखो और लिखा है एक कंपनी है जर्नल सोसाइटी और एक दूसरी कंपनी है जो सोलह में आ रही है इसका नाम है इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज तो एक कंपनी 1688 सो ईस्वी में आई जिसका नाम था न्यू कंपनी दो तो कंपनियां सोलह सो अट्ठानवे ईस्वी में भारत व्यापार करने आ रही एक का नाम है जर्नल सोसाइटी और एक का नाम है इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि पहले द गवर्नर एंड कंपनी आ चुकी है उसके बाद में न्यू कंपनी आ चुकी उसके बाद में जनरल सोसाइटी और साथ में इंग्लिश कंपनी आई यानी अभी तक कुल चार कंपनियां अंग्रेजों की भारत में व्यापार कर रही हैं। अब इन कंपनियों में भारतीय व्यापार में बड़ी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई अंग्रेज गवर्नमेंट ने इसको देखा तो अंग्रेज गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश सरकार ने अब इन सभी कंपनियों को जोड़ के एक कर दिया और यह काम कब किया यह काम 1708 सो ईस्वी में किया तो जब इन कंपनियों को जोड़ के एक किया जाएगा तो इनका नाम क्या रखा जाएगा उसी तरीके से नाम रखा जाएगा तो इन चारों कंपनियों को जोड़ दिया गया द गवर्नर एंड कंपनी को इंग्लिश कंपनी को न्यू कंपनी को और जनरल सोसाइटी को जब जोड़ा गया तो जोड़ने वाला ही नाम रखा गया द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू पूछेगा कि कंपनी का 1708 में नाम क्या था तो द यूनाइटेड लगा दीजिएगा बाकी वही नाम है यूनाइटेड मतलब संयुक्त यानी जोड़ दिया गया देखो यही शब्द लिखा हुआ है बाकी आगे का नाम वही है ध्यान में रखिएगा लेकिन ये बड़ा कठिन नाम था और जो कंपनी का प्रसिद्ध नाम इस समय हो रहा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही हो रहा था तो कालांतर में ब्रिटिश सरकार ने एक चार्टर लाया और इस चार्टर का नाम क्या था इस चार्टर एक्ट का नाम था 1833 का चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट और इसके द्वारा अब ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम बदल दिया गया और जो सबसे प्रसिद्ध नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी वही अब इसका नाम पड़ गया तो ये देखो 1833 में जिस नाम को आप लोग समझते हैं वो नाम प्रकट हो रहा है आपके सामने 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी विधिक रूप से रखा गया था आखिर ये 1833 में ही नाम क्यों बदला गया कोई बता सकता है अगर इस उत्तर को कोई बता दे तो बहादुर है सबसे बड़ा तो विश्व के इतिहास का अध्ययन किया होगा वही इस बात को बता सकता है तो अगर कोई बताना चाहे तो उसका स्वागत है बताइए क्या हो सकता है भाई हम्म क्या हो सकता है आइए देखिए मैं आपको बताता हूं समझाता हूँ देखो ये जो 19वीं शताब्दी का समय है यानी 1801 के बाद का जो समय है और 1801 से 1850 का जो समय ये ब्रिटेन में सुधारों का समय है, और ब्रिटेन की सर, सरकार सुधार भी मजबूर होकर कर रही है यहां पे आप लोग देखेंगे तो इसके बीच में ब्रिटेन की संसद में सुधार होता है और सुधार का कारण कौन है सुधार का कारण उपयोगितावादी दार्शनिक है उपयोगितावादी दार्शनिक इन्हीं उपयोगितावादी दार्शनिकों को हम लोग बैंथमवादी दार्शनिक के नाम से जानते हैं ये भारत के बारे में भी बहुत अच्छा सोचते हैं बैंथमवादी दार्शनिक का मुखिया था जर्मी बेंथम यह जर्मी बेंथम इंग्लैंड में बहुत बड़ा आंदोलन करता है यह चिंतक है ये सुधारक है ये दार्शनिक है ये फिलासफर है और अब कहता है कि ब्रिटेन की संसद में सुधार करना बहुत जरूरी हो गया है लेकिन अपनी ये मांग करता ही है लेकिन इसकी 1832 सो इस ईस्वी में मृत्यु हो जाती है मृत्यु के बाद में इसका यह आंदोलन जो आगे बढ़ाता है वो इसके शिष्य बढ़ाते हैं जेयस मिल और जेम्स मिल तो इसकी मृत्यु के बाद बहुत बड़ा आंदोलन होता है इंग्लैंड में चारों तरफ हाहाकार मच जाता है क्योंकि मृत्यु होती है बहुत बड़े है चिंतक की तो ब्रिटिश सरकार इस समय नतमस्तक हो जाती है आंदोलन के सामने और इसके मृत्यु के बाद तुरंत अपने संसद में सुधार लाती है और जब संसद में सुधार लाती है तो इन चिंतकों का दबाव कंपनी में भी सुधार लाने का है ये चिंतक कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए कि भारत में अच्छा काम करे नहीं तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दीजिए तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी परिवर्तन लाया गया और भारत में कई सामाजिक सुधार किए गए जैसे सती प्रथा का खात्मा किया गया जैसे अन्य असंगत प्रथाओं को भारत से खत्म किया गया तो बेंथम दार्शनिकों का प्रभाव दिखता है इस अठारह के चार्टर एक्ट पे जो इसके पूर्व हमने आपको बताया जिसके द्वारा कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा ठीक अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और एक कंपनी का अध्ययन हम लोग और करते हैं एक कंपनी आपके सामने है डच कंपनी तीसरी कंपनी के रूप में है और इसका नाम क्या है इसका नाम है डच कंपनी इसके इतिहास को हम लोग देखते हैं डच कंपनी तो ये जो डच कंपनी है इसके बारे में देखिए डच कंपनी की स्थापना को हम लोग पढ़ेंगे इसमें कई खंडों के तहत इसका भी अध्ययन करेंगे भारत में डच कंपनी का आगमन और विभिन्न कोठियां पुर्तगालियों और डचों का संघर्ष और फिर डचों ने पुर्तगालियों को भारतीय व्यापार से पिछाड़ दिया फिर अंग्रेजों और डचों के बीच में संघर्ष हुआ फिर डचों का भारतीय व्यापार से पिछड़ना व भारतीय व्यापार से अंत अंग्रेजों से पराजित होके भारत से बाहर हो जाते हैं बांडीवास के युद्ध में तो इसका कई तथ्यों के तहत हम लोग अध्ययन करेंगे कई भागों के तहत हम लोग अध्ययन करेंगे सबसे पहले ध्यान से आप लोग पढ़िएगा कहा जा रहा है कि मार्च 1602 सो ईस्वी में डच संसद ने देखो ध्यान देना ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से निजी कंपनी थी अब यहां पे देखो क्या हो रहा है डचों की संसद ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी कब 1602 सो ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित पहले हुई लेकिन भारत में व्यापार करने के लिए बाद में आई ये जो डच कंपनी है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में स्थापित होती है लेकिन उसके पहले भारत आ जाएगी तो डचों की संसद ने डच कंपनी की स्थापना की ये जो डच कंपनी थी ये कहाँ की थी तो ये नीदरलैंड की थी और नीदरलैंड को ही हालैंड के नाम से वर्तमान में जाना जाता है तो ये डच कहाँ थे ये नीदरलैंड या हालैंड के थे यानी ये भी यूरोप के थे डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम क्या था यह कई बार पूछेगा आपसे बेरिंगदे ओस्ट इंडी से कंपनी था बीओसी यहां पे इसको शॉर्ट में इसे कहा जा सकता है बेरिंग दे ओस्ट इंडी से कंपनी इसका मूल नाम था जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम है मान लो सभी कंपनियों का मूल नाम पूछ लिया और देश का नाम रख दिया और सूची के रूप में मिलाने को दे दिया तो यह बड़ा कठिन प्रश्न बन जाएगा तो इसको ध्यान रखना आप सभी लोग जब ये डच कंपनी स्थापित हुई ये एक सरकारी कंपनी थी तो इसकी कुल राशि कितनी थी पैं, पैंसठ लाख गिल्डर थी गिल्डर यहां की मुद्रा है गिल्डर क्या है यहां की मुद्रा है डच मूलता भारत में व्यापार करने के लिए आए थे लेकिन इनकी भारतीय राजनीति में कोई इच्छा नहीं थी ये व्यापारी थे अंग्रेजों की तरीके से ये भारतीय राजनीति में अपरिहार्य रूप से नहीं उलझे इनका मूल उद्देश्य व्यापार करना ही था और व्यापार के द्वारा धन कमाना था डी कार्नेलिस पहला डस्ट था जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के सुमात्रा आया था सुमात्रा आया था मतलब ये भारत नहीं आया यह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर आया था सुमात्रा के व्यापार में इन्हें ज्यादा ही इंटरेस्ट आ रहा था तो ये सुमात्रा गया ठीक अब डचों ने मसाला व्यापार सबसे पहले इन्होंने मसाले के व्यापार पर ध्यान दिया लेकिन ये मसाले के व्यापार पर केंद्रित नहीं रहे बाद में ये वस्त्र पर ज्यादा ध्यान देने लगे यही प्रश्न आपसे पूछा है कि बाद में ये वस्त्र पर ध्यान देने लगे ये अफीम पर ध्यान देने लगे या चाय के व्यापार पर ध्यान देने लगे ऐसे ही विकल्प में आपको दिया जाएगा और यहीं से बड़ा आसान प्रश्न पूछा जाएगा डचों ने भारत समेत दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में अनेक बस्तियों या व्यापारिक कोठियों की स्थापना की जो निम्नलिखित हैं तो ये डचों की यहाँ पे कोठियाँ दी हुई हैं और एक बात बता रहा हूं कि इस पेज में जितनी भी विदेशी कंपनियां भारत आईं सब की कोठियों का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे आप लोगों को मैं थोड़ा सा बढ़ा के दिखा दे रहा हूँ ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए यूरोपियन सेटलमेंट की बात की जा रही है यहाँ पे और इसमें ये देखो पुर्तगाली कंपनी की बात की जा रही है एरो के द्वारा यहाँ पे इनकी कोठियों को बताया जाएगा इसके बाद में इंग्लिश प्लस डॉक्टर लोग हैं ये क्यों इंग्लिश सेटलमेंट यानी इनकी कोठियों के बारे में बताया जाएगा फ्रेंच यानी फ्रांसीसी सेटलमेंट के बारे में बताया जाएगा टचों की कंपनियों के बारे में बताया जाएगा और डेनिस यानी डेन जो डेनमार्क थे डेनमार्क की कंपनी भी भारत आई थी जिसका नाम था डेन कंपनी उसको भी हम पढ़ाएंगे तो इनकी व्यापारिक कोठियों के बारे में दिया हुआ है तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से बढ़िया से देख लीजिएगा इसको ध्यान से बढ़िया से देख लीजिएगा ठीक है ना और इस पेज में इस कोड के माध्यम से सारी कोठियों के बारे में बताया गया है और समय भी दिया हुआ है जो भी कोठी जब स्थापित हुई उसके समय के बारे में भी अस्पष्ट रूप से दिया गया है, ठीक है तो इसको आप लोग देख लेना बढ़िया से इसके बाद में पुर्तगालियों और डचों में संघर्ष देखते हैं पुर्तगाली पहले से ही भारतीय व्यापार में स्थापित हैं, और जब डच आए तो इनको पुर्तगालियों से संघर्ष करना पड़ा पुर्तगालियों को फाइट देनी पड़ी डच कंपनी के कोई जादू चला रहा है लग रहा है हम्म कोई है मैजिक वाला क्या कोई जादूगर है हम्म मैजिक जादूगर आइए देखते हैं इसको व्यापार पर भारत में दबदबा स्थापित करने के लिए डचों ने 1632 में पुर्तगालियों को हुगली से हटाना प्रारंभ कर दिया हाइट शुरू हो गई और 1632 ईस्वी में हुगली जो पुर्तगालियों के लूटपाट का अड्डा था यहां से डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया भगा दिया पुर्तगालियों को इसके बाद देखिए इसके बाद सोलह में श्रीलंका से पुर्तगालियों को भगा दिया इसके बाद सोलह में डचों ने तंजौर के पास स्थित नेगापट्टनम ये तमिलनाडु में नेगापट्टनम को भी पुर्तगालियों से छीन लिया अब डच काफी आगे बढ़ गए पुर्तगालियों से लेकिन अब पुर्तगालियों से तो डच जीत गए लेकिन अंग्रेजों से ये पिछड़ गए कैसे देखिए सत्रहवीं सदी में मसाले के व्यापार पर डचों ने अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया सत्रहवीं शताब्दी के अंत में लेकिन डचों को जब व्यापार में अंग्रेजों से प्रतिस्पर्धा मिली तब डच पिछड़ गए अंग्रेजों ने इन्हें पराजित कर दिया कैसे देखिए सत्रहवीं सदी के मध्य में हिंद महासागरीय क्षेत्र में व्यापारिक प्रभुता की स्थापना के लिए अंग्रेजों और डचों में क्या हुआ संघर्ष प्रारंभ हो गया। कहते हैं कि जिसका जल के ऊपर राज होगा हो और जल के ऊपर पहले पुर्तगालियों ने राज किया और पुर्तगालियों से कुछ क्षेत्रों को डचों ने छीन लिया फिर अंग्रेज आए अंग्रेजों ने हिंद महासागर के व्यापार में अपनी स्थिति को स्थापित किया अब उनकी चारों तरफ तूती बोलने लगी कब्जा हो गया चारों तरफ तो अब आगे कहा जा रहा है कि इसी में अंग्रेजों को और बढ़त कब मिल गई एक फरमान मुगल बादशाह फरूख शेयर से मिल गया और उस फरमान द्वारा पुर्तगालियों को भी पीछे अंग्रेजों ने छोड़ दिया ये कहते हैं टर्निंग पॉइंट एक डॉक्टर आया फरूख का इलाज किया वो ठीक भी हो गया बरुक्सियर संतुष्ट होके एक फरमान जारी करता है इस फरमान द्वारा कई आदेश प्राप्त कर लेती है ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे में जो भी यूरोपीय कंपनी है अब वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पिछड़ जाएंगी यही हुआ इस डच कंपनी के साथ अंग्रेजों को अब बढ़त मिल गई डच कंपनी अब पीछे हो जाएगी 1672 से 74 के बीच में डचों और अंग्रेजों के बीच में कई युद्ध हुए इसमें धीरे धीरे करके डच शक्ति भारत में पराजित होने लगी अंततः ये टर्निंग पॉइंट है ध्यान रखिएगा अंततः वर्ष सत्रह सो ईस्वी में साठ में नहीं सत्रह सो ईस्वी में एक स्थान है जो बंगाल में स्थित है और इस स्थान का नाम है बेदरा और इस बेदरा के युद्ध में एक तरफ डच शक्ति थी और दूसरी तरफ अंग्रेज थी इसको थोड़ा इस तरीके से समझिए कौन सा युद्ध है बेदरा का युद्ध है बेदरा का युद्ध है यह युद्ध कब हो रहा है सत्रह सो में हो है। तो के बीच में यह युद्ध हो रहा है एक तरफ शक्ति है जो नीदरलैंड या हालैंड की है और एक तरफ कौन है एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी है यह ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की है ये बेदरा कहां है तो ये बेदरा बंगाल में इसी बंगाल में यह युद्ध हुआ इसे बेदरा के युद्ध के नाम से जाना गया इसमें यह शक्ति भारतीय व्यापार में अंग्रेजों से अंतिम रूप से पराजित हो गई और यह इंग्लिश इस ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हो गई अब डच ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पराजित कर दिया और पराजित करके सबकी व्यापारिक कोठियों पर कब्जा कर लिया और अब इसको भारत से निकाल भी दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार से निकाल दिया ठीक अंतिम रूप से पराजित हो रही है यह डच ईस्ट इंडिया कंपनी ध्यान में रखिएगा तो करीब करीब तीन शताब्दियों तक पूर्वी द्वीपों पर डचों का अधिकार रहा परंतु अंग्रेजों से हुए युद्ध में ये भारतीय व्यापार से पिछड़ गए अपर्याप्त तो संसाधन डचों के पराजय का मुख्य कारण था अब जैसे जो डच कंपनी थी वह सरकारी कंपनी थी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक नजी कंपनी थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कई संसाधन थे जलपोत थे युद्ध पोत थे और युद्ध पोतों पर बंदूक थी जो बड़ी दूर तक मार करती थी ये सुविधा डचों के पास नहीं थी इसलिए डच पराजित हो गए और डचों के पराजित होने का क्या कारण है ये जो डच थे ये भारतीय व्यापार में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे ये डच इस समय जो इंटरेस्ट दिखा रहे थे वो इंडोनेशिया के व्यापार में दिखा रहे थे तो इसीलिए ये इंडोनेशिया की तरफ चले गए और भारतीय व्यापार में उतना इंटरेस्ट इनका रहा ही नहीं नीदरलैंड या हालैंड काफी दिनों तक पराधीन था क्या बात थी ये जो नीदरलैंड था या हालैंड था जहां से डच भारत में व्यापार करने आए ये स्वतंत्र देश नहीं था ये ब्रिटेन के अधीन था यानी पराधीन था और कहते हैं पराधीन सपने वो सुख ही, जब आप दूसरे के अधीन हैं तब सपने में भी मत सोचिए कि आपको सुख होगा और जबकि जो इंग्लैंड था वो हमेशा से आजाद था वह हमेशा से स्वाधीन था यानी अपने अधीन था उसके ऊपर किसी ने राज नहीं किया इसलिए वो मजबूत था इसलिए वो ताकतवर था यह अभी डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पराजय का कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी इच्छा के अनुसार व्यापार करती थी और साधनों को बढ़ाती रहती थी यह एक निजी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जबकि डच सरकारी कंपनी थी तो कई बार निर्णय लेने में भी सरकार को देरी होती जबकि निजी कंपनी तत्काल निर्णय लेती इसलिए भी पराजित हो गई इसके बाद में देखिए एक बात और है यहां पे एक बात और है ये जो डच हैं ये किन किन व्यापारिक वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है ये काली मिर्च का व्यापार करते हैं और अन्य मसालों का भी व्यापार करते हैं और किसका ये व्यापार करते हैं नील का व्यापार करते हैं नील का मतलब समझते हो आप लोग कलर तो नील एक पौधा होता था उसी से रंग निकाला जाता था और आप लोग देखते होंगे अब तो नील का प्रयोग होता ही नहीं लेकिन हम लोगों के समय में भी होता था बचपन में देखा करते थे कि जो नेता लोग होते थे या हम लोग ही होते थे वो जो सफेद कपड़े होते थे कुर्ता पैजामा ही मुख्यतः चलता था तो बाल्टी में एक नील का घोल मिलाते थे वो एक पाउडर के समान होता था और उसी में जो व्हाइट कपड़े होते थे कुर्ता पजामा उसे में कलर कर दिया बाद में प्रेस कर दिया चमक आ जाती थी लेकिन बाद में जर्मनी ने रासायनिक रंगों की खोज कर ली तो इसका उत्पादन बहुत कठिन तरीके से होता था बड़ी मेहनत लगती थी और रासायनिक रंगों का उत्पादन बड़ी आसानी से होने लगा और रासायनिक रंग टिकाऊ भी होते थे तो जब रासायनिक रंग जर्मनी का आ गया तो ये नील बाहर हो गया और वही रासायनिक रंग चल रहा है तब 1917 यानी बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में चंपारण के किसानों ने जो नील की खेती करते थे उन्होंने नील विद्रोह कर दिया जिसे चंपारण विद्रोह के नाम से जानते हैं अफीम का व्यापार करते थे रेशम सोरा और वस्त्र का व्यापार करते थे ये कई वस्तुओं का व्यापार करते थे डच कंपनी तो आपने पुर्तगाली कंपनी का पहले इतिहास पढ़ा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास पढ़ा और डच कंपनी का इतिहास पढ़ा कुछ प्रश्न आपके सामने है जरा देखिए कुछ प्रश्न हैं आपके सामने जरा सामना कीजिए उनका देखिए उस प्रश्न में कुछ आपकी समझ में आता है क्या पहला प्रश्न है ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर बताइए तो एक बार आप सभी लोग देखूं तो इसका उत्तर कौन कौन बताता है स्वागत है आप सभी का हाँ ऋतुराज अभी देखा जादू कर रहा है मगर चुपके चुपके अच्छी बात है चलना चाहिए जादू लेकिन जादू यूपीएससी के परिपेक्ष में चलाइए ठीक बताइए ये प्रश्न है मैं साइड में हूं आप सभी लोग बताइए क्या होगा इसका उत्तर पहला प्रश्न है ध्यानपूर्वक उत्तर बताइए आप सभी लोग क्या होगा भाई ऋषि त्रिपाठी ने उत्तर बताया बी और चंद्रशेखर साहब ने भी बताया बताते रहिए सभी लोग क्या होगा इसका उत्तर तो यही उसका उत्तर होगा आप लोगों ने सही बताया एलिजाबेथ प्रथम टेलर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की और इन्होंने ही इस ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पंद्रह वर्ष के लिए व्यापार करने का अधिकार भी प्रदान किया था एलिजाबेथ टेलर साहब साहिबा ने प्रदान किया था ये महारानी थी लेकिन एलिजाबेथ प्रथम है ये याद रखना नहीं तो द्वितीय है तृतीय विकल्प में दे दे फिर गलती हो जाती ठीक अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या दो इसको बताइए आप सभी लोग हाँ बताइए अभशिक अगला प्रश्न है आपके सामने इसका उत्तर बताइए देखिए जरा अभी तो वैसे फ्रांसीसी कंपनी नहीं पढ़ा लेकिन सर्वप्रथम सूरत में अपनी कोठी कौन स्थापित करता है ये भी प्रश्न है आप लोगों के बीच में सर्वप्रथम सूरत में सर्वप्रथम सूरत में अपनी कोठी कौन स्थापित करता है यही आपसे पूछा जा रहा है ठीक तो बताइए भाई सभी लोग बताइए हाँ दूसरा प्रश्न है और इसका उत्तर सही बताया सी बताया अंग्रेजों ने सूरत में स्थापित की लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा अंग्रेजों के अलावा अपनी पहली कोठी फ्रांसीसियों ने भी इसी सूरत में ही स्थापित की थी ध्यान रखिएगा और सूरत ने अंग्रेजों में अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी सिक्सटीन हंड्रेड सिक्सटी एट में स्थापित की थी अभी फ्रांसीसी कंपनी में आपको पढ़ाऊंगा ठीक नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने ये देखिए एक प्रश्न है प्रश्न की संख्या पर मत जाइए आप उत्तर देखिए और प्रश्न को देखिए और बताइए इसका उत्तर बताइए अभी हमने आपको पढ़ाया था इसको और प्रश्न का तरीका देखिए पूनम चौधरी क्या नाम है भीषम यादव तो पितामा भी आज की क्लास में शामिल हैं क्यों चलिए बताइए पितामा क्या होगा भाई इस प्रश्न का उत्तर बताइए जो किलेबंद कोठी स्थापित की जा रही थी दुर्ग के रूप में उसका उद्देश्य क्या था तो वर्षा द्विवेदी बहुत दिन के बाद दिखाई पड़ रही हैं स्वागत है आपका भी और गलत बताया है उत्तर और चौधरी साहब ने क्या बताया ए बताया इन्होंने भी गलत बताया देखो इसमें जो विकल्प है बड़े ध्यान से देखिएगा इसको बड़े ध्यान से विकल्पों को देखिएगा तभी बता पाएंगे नहीं तो नहीं बता पाएंगे जैसे यहाँ पे देखो विशाल ने बड़े ध्यान से देखा है विकल्प को बड़े ध्यान से रश्मि ने भी देखा है रुक्मिनी शर्मा ने देखा है इनके नाम के तो आयस भी है रुक्मिनी रियार के नाम से आयस भी हैं और बहुत फेमस आईएस है रुक्मिनी रियार आनंद हाँ आप तो बता ही दोगे आनंद मैम की बात को छोड़िए सुरुचि सब कुछ भूल जाइए और बिल्कुल सही पढ़ना है यथावत पढ़ना है तो ध्यान दीजिए हमारी क्लास पे नहीं भटकते रहेंगे बिल्कुल हमारा आशीर्वाद है आप लोग जल्दी से आइएस बनिए तो देखो किसकी रक्षा करना था ये देखिए देखो आप लोग हम समझते थे इस विकल्प को बताएंगे अधिकारी काम करते थे ऑफिस थी इसलिए था किले बंद कोठी इसलिए नहीं था वो लोग भारत से सामान खरीदते थे और सामान को लाके वहां पर रखते थे यही तो हमने बताया था और यहीं से सामान विदेशों को भेजते थे तो हमने बोला भी था ये एक बेयर हाउस था ये एक गोदाम था एक माल गोदाम था बोला था या नहीं बोला था बोला था और एग्जैक्ट यही सही हो जा रहा है एग्जैक्ट ये सही हो जाएगा और जो सामान इकट्ठा करेंगे वो कहां भेजेंगे यूरोप भेजेंगे दिमाग नहीं लगाया आप लोगों ने पुराने छात्र हैं आप कोई बात नहीं होती है गलती लेकिन दूसरी गलती नहीं होनी चाहिए वो छम में नहीं होगी ठीक और बताइए एक कथन कारण का प्रश्न देखिए यहां पे कथन कारण का एक प्रश्न देखिए और बताइए ध्यान से पढ़िए और बताइए कथन कारण का प्रश्न है कथन कारण का प्रश्न है इसका उत्तर बताइए तर्क शक्ति का प्रयोग कीजिएगा जल्दबाजी में उत्तर मत दीजिए जल्दबाजी में उत्तर दे रहे हैं सभी का उत्तर एक तरफ से गलत हो रहा है सभी का एक तरफ से उत्तर गलत हो रहा है पढ़िए तो प्रश्न को उत्तर देने की जल्दबाजी क्या है हम्म अभी तक एक लोगों का उत्तर सही आया उनका नाम था नीता यानी सुनीता अभी तक एक लोगों का उत्तर सही आया दूसरे महेंद्र हैं एक नीता है और दूसरे महेंद्र सोच लीजिए आप ध्यान से पढ़िए तो तभी तो सही होगा बालक लोग ध्यान से पढ़ते नहीं प्रश्नों को कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में हलवा है ये अभी बोला था मिर्च मतलब काली मिर्च मसाला मतलब मसाला सूती वस्त्र मतलब सूती वस्त्र कुछ है थोड़ा ना इस प्रश्न में पेन कौन ले गया हमारी भाई हम्म हम्म hmm. क्या है इसमें कुछ है थोड़ा ना डचों ने सत्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ में मतलब क्या है 1602 में ये कंपनी स्थापित हुई 1605 में भारत आ गई और 1605 में भारत आके अपनी कोठी स्थापित कर रही है मसूली पट्टम या मसली पट्टम में यही तो कहा जा रहा है और व्यापार करना प्रारंभ कर दिया अन्य क्षेत्रों में भी, भी अपनी कोठी स्थापित की व्यापार करना प्रारंभ कर दिया तो सही तो है गलत कहाँ है तो पहली बात सही हो गई दूसरी बात ये कैसा व्यापार कर रही है एक काली मिर्च का व्यापार कर रही है मसाले का व्यापार कर रही है सूती वस्त्र का व्यापार कर रही है इसको खरीद रही इसको बेच रही है ये भी सही है लेकिन ये आई क्यों ये व्यापार के द्वारा धन कमाने के लिए आई ऐसा कहीं कारण में लिखा हुआ है तो फिर उत्तर ए के रूप में क्यों दे रहे हैं दोनों बातें सही हैं, दोनों में कोई आपसी संबंध नहीं है दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। जब व्याख्या करते या तादाम में होता तब ए विकल्प होता यहां पे दोनों विकल्प सही हुआ दोनों विकल्प सही होने के बाद में आपका उत्तर भी सही हुआ और सबसे पहले सुनीता ने बताया मुझे याद है फिर उसके बाद में किसने बताया फिर उसके बाद में महेंद्र ने बताया अगला प्रश्न है डचों से चू से अगला प्रश्न है इसको बताइए हाँ आप एक तरफ से भी बता रहे हैं आप समझ में आया क्यों कोई बात नहीं देर आए दुरुस्त आए आगे बताइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या थोड़ा सा आगे पीछे हो रही है तो घबराइएगा मत मोहित क्या होगा भाई स्टडी इन इंडिया पहचान गए ना हम आपको सेवन सी उत्तर आप बता रहे हैं तो सेवन नहीं है ये सिक्स है इसका उत्तर बताइए विवेकानंद डी शोभना सिंह उंगली अच्छा आकृति अच्छा मतलब कई लोगों ने भी बोला था मतलब सबसे पहले जिसका जिन्होंने बोला उसका हमने नाम लिया था बस इतनी सी बात है क्यों भोला सिंह इसका उत्तर बताइए छठवें प्रश्न का ये डचों ने कहा इन स्थानों में से कहा अपनी एक कोठी स्थापित की व्यापारिक कोठी अपना गोदाम अपना बेयर हाउस एक घा क्या है भाई ए बी सी डी है ना आ बा सा मतलब क्या घा क्या है बाबू हम्म देखो कपिल ने कितना बढ़िया लिखा हुआ है सिक्स उसके बाद में सी लिखा हुआ है और बिल्कुल सटीक उत्तर दिया है कपिल मुनि ने राधिका पटेल आपका गलत हो रहा है बेटा पूजा पटेल का सही हो रहा है रुक्मिनी का भी सही हो गया रणबीर का गलत हो गया कोई बात नहीं तो इसका उत्तर क्या हुआ इसका उत्तर हुआ चिंसुरा चिंसुरा कहा है भाई तो ये चिंसुरा बंगाल में है ठीक चिंसुरा में कोठी स्थापित हुई थी डचों की किसकी कोठी स्थापित हुई थी डचों की लेकिन ध्यान रखिएगा डचों की पहली कोठी स्थापित हुई थी 1605 में और सोलह सो में कहा स्थापित हुई थी मछली पट्टम में स्थापित हुई थी इसी मछली पट्टम को किसके नाम से जानते हैं मसूली पट्टम के नाम से जानते हैं तो डचों की पहली कोठी 1605 में मसूली पट्टम में स्थापित हुई थी ठीक ध्यान रखना इस बात का और ये जो चिंसुरा में डचों की कोठी स्थापित हुई यह है यह सोलह सो सोलह सो सोलह सो तिरपन में स्थापित हुई एक प्रश्न और है यहां पे ध्यान से पढ़िएगा इस प्रश्न को डचों की बंगाल में पहली कोठी बहुत उपयोगी प्रश्न है पहली कोठी कब और कहां कब और कहां स्थापित हुई थी बहुत उपयोगी प्रश्न है कहां स्थापित हुई थी स्थापित हुई थी उत्तर बता रहा हूं बताइए सोलह सौ तिरपन हरिहरपुर कुछ भी तिथि लिख दीजिए सोलह सौ इक्यावन सिंसुरा जो भी सही हो उसको लिख दीजिए क्या दिक्कत है एक ही तो सही होना चाहिए सोलह सो बीस उंगली डी यहां पे भी कुछ लिख दीजिए सोलह सो सत्ताईस पीपली पीपली लाइव फिल्म देखा है ना उसमें दिखाया है पीपली अब बताइए काफी उपयोगी प्रश्न है ध्यान से पढ़िए और फिर बताइए इस प्रश्न के उत्तर को बताइए बालक की पहली कोठी बंगाल में कहां स्थापित हुई थी यही आपको बताना है जच्चों की पहली कोठी बंगाल में कहां स्थापित हुई थी यही हमारा प्रश्न है और यही आपको बताना है तो बताइए शर्माना नहीं है किसी को बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर चलिए मैं जिसका गलत है उसके बारे में बोलता हूँ जिसका गलत है उसका नाम लिया जाएगा चलो गलत से अच्छा है सही लोगों का नाम ले लिया जाए क्योंकि तो चिंता में पड़ जाएंगे हाँ इस बार देखो बरसा ने गलती नहीं की सही हुआ पूजा ऑलरेडी सही करती हैं इनका भी सही हुआ भोला सिंह का भी सही हुआ एनपी का भी सही हुआ सुमन पाठक का भी सही हुआ अविनाश अंडरटेकर विवेकानंद मोहित स्टेटस मोहितरजे टू अच्छा रेडियो जाकी टू अच्छी बात है आप रेडियो जाकी हैं जयप्रकाश का सही है विवेकानंद का सही है पहले ही बोल दिया नाम विष्णु वर्मा का भी सही है सोनू कुमार का भी सही है तिवारी का भी सही है मंतसा खातून का भी सही है चंद्रशेखर का गलत है आकृति कुमारी पूजा पटेल इन लोगों का सही है ठीक आ, हमें पता था इस प्रश्न का उत्तर आप लोग नहीं दे पाएंगे और ये यूपीएससी में पूछा है इसलिए मुझे याद आ गया हमने इस प्रश्न को आपसे पूछ लिया तो डचों की यानी डच जो नीदरलैंड या हालैंड से भारत में व्यापार करने आए थे इनकी पहली कोठी बंगाल में भारत में नहीं भारत में तो पहली कोठी सोलह में स्थापित हो गई मसूलीपट्टम में लेकिन ये जब बंगाल जाते हैं तो बंगाल में अपनी पहली कोठी कहां स्थापित करते हैं पीपली में स्थापित करते हैं और कब स्थापित करते हैं सोलह में स्थापित करते हैं अन्य तीनों विकल्प गलत है हालांकि है यहीं पर ठीक तो ये एक तरीके से जो आज की आपकी क्लास रही वो टेस्ट कंपनी का संपूर्ण अध्ययन किया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्ययन किया ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है अभी जस्ट आठ बज के पैंतालीस मिनट पे एक क्लास हमारी और होगी और इसमें अकबर के इतिहास का अध्ययन करेंगे जो हम लोग मध्यकालीन भारत का अध्ययन कर रहे हैं तो उसी में आगे बढ़ेंगे उसके पहले हम लोगों ने बाबर और हुमायूं के इतिहास को पढ़ा हुआ है अब हुमायूं का पुत्र अकबर शासक के रूप में स्थापित होता है देखते हैं अकबर को महान क्यों कहा जाता है क्या अशोक से ये बड़ा महान था या अशोक से कम महान था इसको भी देखेंगे इसकी नीतियां क्या हैं 1605 में अकबर का समय काल समाप्त हो जाता है पंद्रह सो में स्टार्ट होता है तो करीब करीब 50 सालों के इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे तैयार होकर आप लोग आइएगा थोड़ा पढ़ भी लीजिएगा ठीक अभी समय भी है अन एकेडमी में कहीं भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये हमारा रेफरल कोड है इसका प्रयोग करना ना भूलें इसके प्रयोग करने से आपको किसी भी कोर्स में चाहे वो यूपीएससी का हो स्टेट कमीशन का हो एसएससी का हो रेलवे का हो आईआईटी का हो पीएमटी का हो अपने दोस्तों के द्वारा खुद स्वयं के द्वारा अपनी फैमिली में इसी कोड का प्रयोग करने के लिए बोलना है एस ए एन जे डबल ये हमारा नाम भी है इस नाम को आगे आप लोगों को ही बढ़ाना है अगर कुछ भी भ्रम की स्थिति आती है या कोर्स समझ में नहीं आता देन कॉन्टेक्ट मी आप हमें कॉल कर सकते हैं किसी मैनेजर से नहीं बात करेंगे डायरेक्ट हमसे आप बात करेंगे प्रॉपर मार्गदर्शन हमारे द्वारा दिया जाएगा और 10 प्रतिशत फीस में भी छूट आपको मिलेगी तो इसी कोड का प्रयोग करना है और जाते जाते सबको क्लास को लाइक करते हुए जाना है चैनल को सब्सक्राइब भी करना है मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आया होगा अभी फ्रांसीसी कंपनी के इतिहास को पढ़ेंगे और कर्नाटक युद्ध के इतिहास को पढ़ेंगे अगली क्लास में उसके बाद में हम लोग अंग्रेजों की भारत विजय का इतिहास पढ़ेंगे अंग्रेज जब विजय करना शुरू करेंगे तो बंगाल की विजय करेंगे सिखों की विजय करेंगे मराठों की विजय करेंगे अवध की विजय करेंगे अन्य क्षेत्रीय राज्यों की विजय करेंगे उसको दिखाएंगे फिर अंग्रेजों की नीतियों को पढ़ेंगे गवर्नर जनरल के इतिहास को पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो रही है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया ये पीडीएफ मैं आपको भेज देता हूं आप लोग इसको इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वो जो पुर्तगाली कंपनी है उसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा आज ही आपको मिल जाएगा ठीक कहने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी तो पीडीएफ के लिए कमेंट नहीं कीजिएगा ठीक पीडीएफ अब आपको मिल जाएगा इस टेलीग्राम चैनल को लेकिन ज्वाइन कर लेना है और ज्वाइन करने के बाद में जैसे ही पीडीएफ भेजा जाए उस पीडीएफ को सेव कर लीजिए आप सभी लोग या फोटो कापी निकलवा लीजिए क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रीन पेज नहीं है वाइट पेज है तो पीडीएफ भी बहुत सही निकलता है फोटो कापी के रूप में तो इसे निकलवा लीजिए और अपने पास रख लीजिए हो सकता है इसमें कहीं मिस्टेक हो टाइपिंग की तो उसको सही भी करवा सकते हैं समय समय पर ठीक बाकी मैं सही करवा दूंगा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को इस क्लास के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से आठ पैंतालीस फे मिले हाँ आठ पैंतालीस पर मिल